हेलो एवरीवन, साइंस मैग्नेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र सैनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ भाई, सभी बच्चे एक बार जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए। अभिषेक दे भाई, ये बच्चे हैं बड़े खतरनाक हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग अभिषेक दे। चलो सभी बच्चे एक बार जल्दी से आज के सेशन में जुड़ जाइए। हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको शुरुआत करूंगा सिलेबस के बारे में कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे डीजल थ्योरी के बारे में, और आज के क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलता हूँ कि डीजल थ्योरी की शुरुआत क्या होती है। ठीक है बेटा, चलो वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज का जो सेशन है ये आपको जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, डीजल मैकेनिक का मैराथन क्लास है। और हमने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अब ट्रेड की दिक्कत बिल्कुल क्या है, खत्म है। अब आपको ट्रेड के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। पहला हम लोग देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होता है। लोको पायलट के बारे में जो आपका डीजल थ्योरी है वो क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, आरआरबी एएलपी का एग्जाम पैटर्न 2022 जो सीबीटी फर्स्ट है, इसमें 20 नंबर की आपकी क्या आती है, मैथ आती है, रीजनिंग 25 नंबर की, और जनरल साइंस 20 नंबर की, और करंट अफेयर और जीके आती है आपकी 10 नंबर की। इस पेपर के लिए आप लोगों को एक घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी 60 मिनट का टाइम आता है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट का टाइम, 75 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पेपर ओनली फॉर क्वालिफाइड टाइप का होता है, क्वालिफाइड टाइप टेस्ट होता है, मेरिट में इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते। हर बच्चे को पेपर को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है ना। हाँ जी, चलो ऑल टॉपिक मैराथन होगा। हाँ बेटा, शुरुआत से लेकर ऑल टॉपिक का मैराथन चलाएंगे। जो सीबीटी 2 होता है, इस सीबीटी 2 में दो पार्ट आते हैं, एक आता है आपका पार्ट ए और दूसरा आता है बेटा पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है, उस पार्ट ए के अंदर वही मैथ आनी है जो आपकी सीबीटी 1 में आती है। मैथ आई तुम्हारी 25 नंबर की, और जो आपकी रीजनिंग है वो 25 है, और साइंस जो है जो आपको नीरज सर पढ़ाएंगे ये आएगी बेटा 40 नंबर की, और जीके कितने मार्क्स की है, 10 नंबर की है। ये जो पेपर होता है सीबीटी 2 का पहला पार्ट, इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 90 मिनट बोले तो बेटा 1 घंटे 30 मिनट का टाइम होता है, और इसी के बाद में आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, ये आपका सिलेबस रहता है। इसी पेपर में जो पार्ट सीबीटी 2 है, इसका पार्ट ए 100 मार्क का है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम है। पार्ट बी जो होता है ये ट्रेड का होता है बेटा, जैसे आज की क्लास में हम डीजल ट्रेड की बात कर रहे हैं, 75 नंबर का होता है, 60 मिनट का टाइम होता है। दोनों के दोनों जो पेपर हैं वो एक साथ होते हैं बेटा, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। मैं अगर बात करूं कि सीबीटी 2 जो है, इस सीबीटी 2 के दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट से बनती है आपकी मेरिट, और ये वाला जो बी पार्ट है इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, ये ओनली होता है क्वालिफाइड टाइप का, इसे केवल आपको पास करना होता है, और इसको पास करने के लिए आपको 27 यानी 27 नंबर की जरूरत होती है। ये आपका पार्ट होता है पार्ट बी बेटा, ओनली फॉर क्वालिफाइड टाइप का ट्राई। ये दोनों पेपर एक साथ होंगे, पहले पार्ट ए होगा, जैसे ही आप पार्ट ए को सबमिट कर दोगे पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, ये रहेगा आप लोगों का सिलेबस। क्लियर है बेटा? आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ते हैं? साइंस मैग्नेट से। ठीक है, चलो बेटा अब चलते हैं आगे। ये जो पार्ट बी है, 60 मिनट का टाइम है, 75 क्वेश्चन है, 35% नंबर, यानी 35% की बात करें तो 27 मार्क लाने होते हैं आप लोगों को। द पार्ट ऑफ क्वालिफाइड नेचर सेल बी हैव क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेड सिलेबस प्रेजेंटेड इन डायरेक्ट जनरल ऑफ एम्प्लॉय, यानी डी जी
ईटी की जो साइट पर आप लोगों का सिलेबस डाला गया है बेटा, डीजीईटी की साइट का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को अब मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ, उसी सिलेबस को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि वो डीजीईटी की साइट का सिलेबस क्या होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो इसी डीजल मैकेनिक के बारे में है। और आप लोगों को बता दूँ बेटा, एएलपी टेक्नीशियन का जो कोर्स है ये ओनली फॉर, पहले 3,000 रुपये का था, अब 3,000 ना करके भारी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 799 रुपये में आप लोगों को ये कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें एक साल की वैलिडिटी है। पीडीएफ मिलेगी एवरी क्लासेस की, जो कि आपको यहाँ बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, लैपटॉप पर जो आपका एक्सेस है वो अवेलेबल है, और PYQ यानी MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेशन है, वो सारे के सारे आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं कि भाई किस तरह से हम इस कोर्स को परचेज करें। तो साइंस मैग्नेट का जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जाइए, कोर्स पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल जाएंगे, डीजल पर क्लिक करके यहाँ से आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलते हैं। ये आप लोगों का इस तरह से कोर्स खुलेगा, फीटर का भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन जोश और जुनून के साथ आज के सेशन की। एक बार ध्यान से देखिए और सभी बच्चे जल्दी जल्दी आज के सेशन में जुड़ जाइए। अब की बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर कैसा आएगा? बहुत अच्छा आएगा। चलो बेटा, हाँ जी कन्नू शर्मा, नमस्ते। नमस्ते बेटा, चलो एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। अगर आपको बड़ी जीत चाहिए तो बेटा आज से ठान लीजिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। बात करते हैं डीजल का जो सिलेबस है, इस डीजल के सिलेबस में आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है। फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन इंजन जो होता है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि क्या आपका डीजल है, क्या इंजन होते हैं, किस तरह के इंजन हैं, और एक एक इंजन को फिर एक एक पार्ट्स को हम पढ़ते हैं। उसके बाद में कूलिंग सिस्टम, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, इजनेशन सिस्टम, इंजन फ्यूल, क्लच, गियर, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल एंड रियर एक्सल, व्हील ट्यूब एंड टायर, सस्पेंशन सिस्टम, स्टेयरिंग सिस्टम एंड फ्रंट एक्सल। इसके बाद में इसका डीजल थ्योरी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, लिमिट फिट टॉलरेंस, गेज, जैसे रिंग गेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लिमिट गेज होगा, प्लग गेज होगा, स्नैप गेज होगा, मार्किंग टूल एंड मार्किंग मीडिया, स्क्रू थ्रेड, कटिंग टूल, वेल्डिंग, और ये ऑक्यूपेशन सेफ्टी और हेल्थ, ये आप लोगों के टॉपिक होते हैं बेटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंजन की। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करूँगा बेटा इंजन को। इंजन के बाद में हम लोग चलेंगे क्लच के ऊपर। क्लच के बाद में जो अभी मैंने आपको सिलेबस बताया उसी सिलेबस की बात कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले इंजन, इंजन के बाद में क्लच पर चलेंगे। क्लच के बाद में एक बॉक्स होता है जिसे गियर बॉक्स कहते हैं, और गियर बॉक्स के बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं उस शाफ्ट को नाम देते हैं बेटा प्रोपेलर शाफ्ट। और प्रोपेलर शाफ्ट को जोड़ने के लिए एक जॉइंट लगा होता है जिसे यूनिवर्सल जॉइंट या हुक जॉइंट के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट पढ़ेंगे, हुक जॉइंट पढ़ेंगे, फिर प्रोपेलर शाफ्ट पर जाएंगे। यहाँ पर फिर से एक यूनिवर्सल और हुक जॉइंट के द्वारा यहाँ पर इसे अटैच किया होता है जिसे डिफरेंशियल गियर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और डिफरेंशियल गियर बॉक्स के बाद में अपना आता है रियर एक्सल। रियर एक्सल के बाद में व्हील, व्हील के बाद में ट्यूब एंड टायर को पढ़ा जाता है, और ट्यूब टायर के बाद में आप लोगों का फ्रंट एक्सल होता है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ये पूरा का पूरा एक आपका सिलेबस होता है बेटा डीजल का। डीजल को इंजन से स्टार्ट करते हुए लास्ट में फ्रंट एक्सल पर लेके आते हैं। इस तरह से एक एक मैकेनिज्म को पढ़ा जाता है बेटा, सस्पेंशन, ब्रेक सबको लेते हुए फिर वापस रिवर्स फ्रंट एक्सल पर लाकर छोड़ देते हैं। ये आप लोगों का कंप्लीट क्या होता है, ट्रेड होता है। बिल्कुल बेटा, वेल्डर ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिक, सभी बच्चों के लिए जल्दी हम कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, है ना।
आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही शानदार आप लोगों का होने वाला है, बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। जल्दी से बैठ जाइए बेटा। ठीक है बेटा, चलो कमोन कमोन कमोन। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन सेशन भी होंगे, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, कंप्लीट जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। एक बच्चा आ गया था, शरारती था। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। बात करते हैं सबसे पहले कि ये डीजल थ्योरी को स्टार्ट कहाँ से किया जाता है। ये डीजल थ्योरी हर वो बच्चा परचेज कर सकता है जो लोको पायलट के लिए इंटरेस्टेड है। कल रात को ही एक भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है राजस्थान में ITI इंस्ट्रक्टर का, उसके लिए भी ये जो सिलेबस है वो आप लोगों का रामबाण साबित होगा। ठीक है बेटा, देखिएगा, मैंने कहा इंजन या हीट इंजन क्या होता है। इंजन एक मशीन है जो फ्यूल की ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मैंने कहा कि फ्यूल की जो हीट एनर्जी होती है, इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है। ये काम करता है हमारा इंजन। कौन काम करता है बेटा, इंजन करता है। तो इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो फ्यूल की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, आप लोगों की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। चलो जल्दी से देखते हैं इस सेशन को, ये बड़ा ही प्यारा सेशन है हमारा, कि भैया इंजन क्या होता है। इंजन वो डिवाइस है बेटा जो फ्यूल जो होता है उसकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आप कहोगे सर कैसे करता है, हमें एक बार थोड़ा सा बता तो दीजिए कि ये कैसे करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये आप लोगों का कोई इंजन है, ये आप लोगों का एक इंजन है, और ये इंजन आप लोगों ने खूब देखा होगा अगर किसी बच्चे ने डीजल थ्योरी थोड़ी भी पढ़ी हो। इस डीजल इंजन के अंदर मैंने ये बीच वाला पोर्शन आप लोगों का बनाया, या पेट्रोल इंजन बोल दीजिए, डीजल बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ये इस तरह का इंजन बनाया जाता है। इस अंदर वाले पोर्शन को नाम देते हैं बेटा पिस्टन, और इस पोर्शन को क्या नाम देते हैं, सिलेंडर कहते हैं बेटा। एयर और फ्यूल का मिश्रण, यदि पेट्रोल इंजन है तो इनलेट वाल्व के द्वारा एयर और फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। तो बेटा जब ये एयर और फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा, एयर प्लस फ्यूल, कौन से वाल्व से, इनलेट वाल्व से, एयर और फ्यूल का मिश्रण जब एंटर करता है, तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्यूल होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण ही तो है, और अगर ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है तो ये केमिकल ही तो है आप लोगों का। तो ये क्या करता है इंजन, ये आपने जो केमिकल इसके अंदर डाला है उस केमिकल एनर्जी को स्पार्क प्लग लगा रहता है, उस स्पार्क प्लग की सहायता से क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं बेटा। क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं। और जैसे ही आप लोग स्पार्किंग करोगे ये क्या हो जाएगा बेटा, हीटेड हो जाएगा, और जैसे ही ये हीटेड होगा यानी आग लगेगी, और एक स्ट्रोक डेवलप होता है जिसे नाम देते हैं पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक जैसे ही डेवलप होगा, पिस्टन मूवमेंट करेगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, और जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, इससे जुड़ी हुई पिस्टन रोड जो है ये मूवमेंट करेगी, पिस्टन रोड मूवमेंट करेगी, तो आपकी क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट करेगी, और बेटा क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट करेगी, फ्लाईव्हील घूमेगा, इंजन में पावर चली जाएगी। क्लियर है। तो हीट जो है, इस हीट को पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। हाँ बिल्कुल, ओनली एयर इन पेट्रोल डीजल इंजन, CI इंजन बोले तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन, बिल्कुल बेटा एकदम सही। चलो तो हमने कहा कि भैया सबसे पहले इंजन क्या काम करता है, कि जो आपका फ्यूल होता है उस फ्यूल के अंदर एक एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, इस केमिकल एनर्जी को स्पार्किंग करते हैं, हीट एनर्जी में बदलते हैं, और ये हीट एनर्जी
जो है ये पिस्टन को मूवमेंट देती है, जिससे हमें कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो 100 बातों की एक बात कहें तो सीधा सा कंसेप्ट हमारा ये है कि हमारा जो इंजन होता है, इंजन क्या करता है बेटा, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को, किसकी को बेटा, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को सबसे पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस डिवाइस को क्या नाम देते हैं, इस प्यार को क्या नाम दूं, तो इस प्यार को आप लोग नाम दे दीजिए बेटा इंजन। क्या नाम दे दीजिए, इंजन नाम दे दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्यार है तुम्हारा, कभी धोखा नहीं देगा ये, ठीक है। तो यही हमने सीधे से शब्दों में लिखा कि इंजन एक मशीन है जो फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड इंजन इज ए मशीन दैट कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी फ्यूल की जो रासायनिक ऊर्जा है उसको हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हीट इंजन करता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल भाई रूपेश, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, चूषण संपीड़न, चूषण संपीड़न शक्ति निष्कासन, है ना, मुझे हिंदी भी आती है, ठीक है बेटा। चलो आगे आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि जो हीट इंजन है, इस हीट इंजन को कितने भागों में बांटा गया है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, मैं आप लोगों के लिए बेटा सबसे अच्छे एनिमेशन या सबसे अच्छे एक सिस्टोमेटिक डायग्राम बना के लाया हूं इस कोर्स में, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, ठीक है बेटा, जो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। या आपका जो हीट इंजन है, वो हीट इंजन क्या होता है बेटा, हीट इंजन जो होता है वो डिवाइस है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस इंजन को हीट इंजन कहा जाता है। अब हीट इंजन को वैज्ञानिकों ने, या हमारी बात करें बेटा, आज के वैज्ञानिक तो हम ही हैं, तो इस हीट इंजन को मैंने दो भागों में बांटा। आपका हीट इंजन जो है, इस हीट इंजन को कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। एक इंजन आप लोगों का कौन सा होता है बेटा, एक इंजन है आपका एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन, और दूसरा होता है बेटा इंटरनल कंबस्चन इंजन। हीट इंजन को कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, एक एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबस्चन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन क्या होता है, वो इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है, उसे बाहरी दहन या एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन कहते हैं। वो इंजन जिसमें दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है, अंतः दहन या इंटरनल कंबस्चन इंजन कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो इंजन को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन दो होते हैं बेटा, एक स्टीम इंजन है, दूसरा स्टीम के टर्बाइन होते हैं। आईसी इंजन जो होता है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है स्पार्क इजनेशन इंजन और दूसरा होता है बेटा कंप्रेशन इजनेशन इंजन। अगर और बात करें तो ये जो एसआई इंजन, स्पार्क इजनेशन इंजन होता है, इसी इंजन को बोलते हैं बेटा पेट्रोल इंजन, क्योंकि जिस इंजन में स्पार्किंग के द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है उसे स्पार्क इजनेशन या पेट्रोल इंजन कहते हैं। और जो कंप्रेशन इजनेशन इंजन होता है, ये वो इंजन होता है जिसमें फ्यूल को कंप्रेस करके जलाया जाता है। तो स्पार्क इजनेशन इंजन में दो इंजन आते हैं, एक आता है आपका पेट्रोल इंजन और दूसरा आता है गैस इंजन। जबकि कंप्रेशन इजनेशन इंजन वो इंजन होता है जिसमें फ्यूल को कंप्रेस करके जलाया जाता है। तो कंप्रेस करके जिस इंजन में फ्यूल को जलाया जाता है, उस इंजन को डीजल इंजन कहा जाता है, उस इंजन को डीजल इंजन कहा जाता है, उस इंजन को क्या कहते हैं बेटा, डीजल इंजन कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई तो हम आगे चलें। एक बार जल्दी से बताइए, मैंने पहली परिभाषा बताई आपको, डेफिनेशन बताई कि इंजन क्या होता है। इंजन वो डिवाइस होती है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तथा हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इंजन को दो भागों में बांटा, हीट इंजन को, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल।
एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन आते हैं, और इंटरनल कंबस्टन इंजन में स्पार्क इजनेशन इंजन और कंप्रेशन इजनेशन आते हैं। कंप्रेशन इजनेशन इंजन दो तरह के, एक होता है डीजल इंजन और स्पार्क इजनेशन इंजन में पेट्रोल इंजन और गैस इंजन दोनों आते हैं। ओके अभिषेक, पीरू, रूपेश, ओके बेटा चलो आगे चलते हैं। ये दो तरह के जो हमने इंजन बनाए, एक तो था एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, एक इंजन था एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। बेटा एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन क्या होते हैं? वो इंजन जिनमें दहन सिलेंडर के बाहर होता है, और एक होता है बेटा इंटरनल कंबस्टन इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन, अंतःदहन इंजन। ये दो प्रकार के आप लोगों के इंजन देखने को मिलते हैं। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन जो होता है वो लोकोमोटिव में काम लेते हैं, जैसे आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी, गदर एक प्रेम कहानी सनी देओल की, और अभी तो सेकंड पार्ट हो रहा है उसका बहुत प्यारा वाला। तो गदर एक प्रेम कहानी जो गदर मूवी है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस वाले हिस्से में सनी देओल और सनी देओल का जो बेटा है वो दोनों क्या डालते हैं? कोयले डालते हैं। बेटा इस हिस्से में क्या डालते हैं? कोयले डालते हैं। तो सनी देओल और उसका जो जीते था उसने बहुत सारे कोयले डाल दिए। बेटा ये देखो कितने सारे कोयले आ गए। अब जैसे ही कोयले डालेंगे तो कोयले डालते ही बेटा क्या डेवलप होगी? हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होगी तो ऊपर बेटा इसमें दो तरह की ट्यूब लगे होते हैं, एक बॉयलर मैकेनिज्म लगा होता है, एक वाटर ट्यूब होता है, एक फायर ट्यूब होते हैं। यहाँ पर एक आपको सिंपली कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है कि एक तरह का वाटर ट्यूब बॉयलर के समान है, तो यहाँ पर क्या है बेटा? वाटर भरा हुआ है। तो अब हमने कहा कि जैसे ही इसमें कोयले डाले हीट डेवलप हुई, क्या डेवलप हुई बेटा? हीट। कोयला क्या है भाई? केमिकली तो है, एक फ्यूल ही तो है, तो फ्यूल को जैसे ही जलाया क्या डेवलप हुई? हीट डेवलप हुई। हीट डेवलप होने के कारण ये वाटर जो है, ये वाटर क्या हो गया आपका? गर्म हो गया, और वाटर गर्म हुआ तो बेटा भाप बनी, भाप बनेगी या स्टीम बनेगी, तो स्टीम कहाँ चली जाती है? ऊपर, और वाटर कहाँ रहता है? नीचे, क्योंकि आपको पता है वाटर की तुलना में स्टीम की डेंसिटी या घनत्व कम होता है, कम घनत्व होने के कारण भाप कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और वैसे भी आप लोग जानते हो, खूब आग लगाई होगी आप लोगों ने, आग लगाते हैं तो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर या नीचे? आग लगाते हैं तो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर या नीचे? कम ऑन जल्दी बताइए, आग लगाते हैं तो धुआं कहाँ जाता है? ऊपर जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है। जिसकी डेंसिटी या घनत्व कम होता है तो वो कहाँ जाते हैं बेटा? ऊपर जाते हैं। तो वाटर जो है इसकी डेंसिटी 1000 होती है, स्टीम की डेंसिटी 1000 से कम होती है, तो कम घनत्व या कम डेंसिटी के कारण भाप ऊपर जाएगी। इस भाप को इस ट्यूब से होते हुए लेकर आया जाता है बेटा कहाँ तक? पिस्टन तक। अब जैसे ही आप लोगों के पिस्टन पर ये स्टीम का प्रेशर पड़ेगा तो पिस्टन मूवमेंट करेगा, और पिस्टन मूवमेंट करेगा रेसिप्रोकेटिंग। जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, पिस्टन के मोशन होने से कनेक्टिंग रोड क्या करेगी? मोशन करेगी। ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये मोशन करेगी, और क्रैंक शाफ्ट मोशन करेगी तो ये जो रोड आप लोगों की लगी हुई है ये व्हील को मोशन देगी। जैसे ही ये व्हील को मोशन देगी आपकी ट्रेन क्या करने लग जाएगी बेटा? चलने लग जाएगी। ये पहिया जो है ये आप लोगों का क्या करने लग जाएगा? चलना लग जाएगा। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट जुड़े होते हैं गजन पिन से, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड जुड़े होते हैं गजन पिन से, ठीक है बेटा? मुझे देखकर हंसी आती है, अरे वाह, चलो जी। तो मैंने कहा जैसे ही आप लोगों का पिस्टन जो है, इस पिस्टन पर पावर मिली, तो पिस्टन पर पावर मिलते ही पिस्टन मोशन करेगा, क्रैंक शाफ्ट मोशन करेगी, क्रैंक शाफ्ट मोशन करेगा तो व्हील मोशन करेंगे, और व्हील मोशन करेंगे तो ट्रेन चलने लग जाती है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर सीधा सा सिस्टम हमारा क्या हुआ कि हमने जो दहन करा, जो कंबस्शन किया, वो सिलेंडर के अंदर था या बाहर था? अगर किसी सिलेंडर में दहन
यदि किसी इंजन में दहन सिलेंडर के अंदर ना होकर सिलेंडर के बाहर होता है तो उन्हें एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन या बाहरीय दहन इंजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा। अब आगे चलते हैं। यहां पर हमने एक इंजन की बात करी जिसका नाम है इंटरनल कंबस्चन इंजन। इस इंजन में क्या होता है बेटा, एयर और फ्यूल का मिश्रण। मैं सपोज करो मैं इस इंजन को मान रहा हूं बेटा आप लोगों का क्या, डीजल इंजन, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्टर है। तो डीजल इंजन में इनलेट वाल्व में केवल क्या प्रवेश करेगी, एयर आई, और इंजेक्टर के द्वारा यहां पर क्या छोड़ा जाता है बेटा, फ्यूल छोड़ा जाता है। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में फ्यूल छोड़ेंगे तो इनका क्या होगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा, लगभग 30 से 40 बार तक प्रेशर हो जाता है, और उस हाई प्रेशर के कारण फ्यूल इग्नेट होने लग जाता है और पिस्टन मोशन करता है। यानी इस इंजन में जो कंबस्शन या दहन होता है ये कहाँ होता है बेटा, सिलेंडर के अंदर होता है, और यदि दहन सिलेंडर के अंदर होता है तो उसे अंत्य दहन या इंटरनल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। इंजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आईसी और ईसी। आईसी इंजन में दहन सिलेंडर के अंदर और ईसी इंजन में दहन सिलेंडर के बाहर होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? बेटा आज की जो क्लास है वो आपका मैराथन है क्विक बाय मोशन, तो एक दो चैप्टर तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जुड़े रहें, है ना, आप जुड़े रहें, एक दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, पाँच घंटे तो क्लास आपकी आज ही चल रही है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है बेटा। चलो, तो दो तरह के इंजन होते हैं, एक ईसी इंजन और एक आईसी इंजन। दोनों इंजनों को हमने बताया, अब हम बात करते हैं आईसी इंजन और ईसी इंजन में क्या अंतर है। ये जो सेशन है ये बाइलिंगुअल होने वाला है आपका, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। ये दोनों के दोनों जो ये जो पूरा सेशन है बाइलिंगुअल है। अभी मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन इंग्लिश में बात करेंगे। आईसी इंजन होता है, इसमें दहन जो है वो सिलेंडर के अंदर होता है, और इसमें दहन जो है वो सिलेंडर के क्या होता है, बाहर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आईसी इंजन का आकार छोटा होता है और ईसी इंजन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यहां पर बात करें आईसी इंजन में तो गैसों का वर्किंग टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि बेटा छोटा सा इंजन है और उससे हमें ज्यादा पावर लेनी है तो प्रेशर और टेम्परेचर ओबियसली ज्यादा रखेंगे, और यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है। अब प्रेशर टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर से ही और प्रेशर से ही तो एफिशिएंसी मिलती है, तो इन इंजनों की एफिशिएंसी कम होती है 15 से 20%। इसी कारण ये इंजन जो है ये बेटा ये मान के चलो आपके यूज लेने योग्य नहीं थे, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। इनसे एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, इनका फ्यूल टैंक छोटा सा होता है, जैसे आपने मोटरसाइकिल का देखा होगा, कार का देखा होगा, लेकिन अपना ये वाला फ्यूल टैंक बहुत बड़ा होता है बेटा। ये जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है ये काफी बड़े होते थे। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था सनी देओल गदर मूवी वाला। पहले के टाइम में क्या होता था बेटा, दो ग्रुप डी के कैंडिडेट एक्स्ट्रा रखे जाते थे कोयला फेंकने के लिए, क्योंकि कोयले को भरने के लिए जगह चाहिए, कोयले को डालने के लिए जगह चाहिए, ट्यूब जो है उनके लिए स्पेस चाहिए। ट्यूब के लिए स्पेस मिल गया तो भैया पिस्टन को मोशन करना है, स्टीम इकट्ठी करनी है, बहुत सारा झमेला होता था। इसलिए ये इंजन आकार में बड़े होते थे और ये अपने कॉम्पैक्ट शेप के हैं। इन इंजनों को स्टार्ट करना और चालू करना आसान है। इनको बेटा बहुत देरी से स्टार्ट होते थे, लगभग आधा घंटा लग जाता था। भारत में एक स्टीम ट्रेन चलती है बेटा जो कि अलवर और दिल्ली के बीच में चलती है, आप लोगों को पता हो तो। उस भाप इंजन या स्टीम इंजन जो है उसको मैंने देखा है हमारे अलवर में, कि ये जो स्टीम इंजन है इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था चलाने के लिए। एक ड्राइवर साहब ऊपर बैठे रहते थे, दूसरा नीचे से देखता था, हाँ भाई स्टीम बनी नहीं बनी, प्रेशर बना नहीं बना, बोले नहीं बना, और डालो कोयले, फिर स्टीम को चेक करता था प्रेशर गेज में। बड़े लफड़े होते थे यार, चलाना बहुत कठिन था और रोकना भी बड़ा कठिन होता था, क्योंकि इंजन जो है वो फ्यूल जो है बेटा वो तो है ही,
जलेगा तो एनर्जी तो डेवलप होगी, लेकिन कोयला जलने में समय लेता है, पानी गर्म होने में समय लेता है, स्टीम बनने में समय लेती है, इसलिए इसमें ये जो टैंक है इनके बड़े होते हैं और इनको चालू और स्टार्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इनमें कंडेंसर के स्थान पर वाटर जैकेट या रेडिएटर लगे होते हैं। वर्तमान समय में जितने भी हमारे इंजन होते हैं उन सभी में रेडिएटर होते हैं, जबकि उस जमाने का जो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन स्टीम इंजन जो था, जिसकी खोज जेम्स वाट ने की थी, उसमें क्या लगे होते थे? कंडेंसर लगे होते थे बेटा। क्या लगे होते थे? कंडेंसर। आगे चलते हैं, इनके कुछ एमसीक्यू हैं बेटा। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाता जाऊंगा और क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा। मैंने अभी आपसे वादा किया कि मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाता जाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा, तो जल्दी से इस थ्योरी को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ये थ्योरी पढ़ने के बाद क्या आप इन क्वेश्चनों के जवाब देने लायक हुए या नहीं हुए? क्योंकि मेरा मकसद एक ही है कि आप लोग सीखने चाहिए बेटा, आपको गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग सीख जाओगे तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई। हाँ जी, बी 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 शुभम जी बी, ओके। नीरज, पीरू, अभिषेक दे, वाह वाह क्या बात है। चलो बेटा, डीजल इंजन क्या होता है? चलो, डीजल इंजन एक प्रकार का स्पार्क इजनेशन इंजन है। नहीं बेटा, स्पार्क इजनेशन इंजन तो हमारा पेट्रोल इंजन होता है, कंप्रेशन इजनेशन इंजन है। बिल्कुल बेटा, डीजल इंजन एक प्रकार का कंप्रेशन इजनेशन इंजन होता है और इसी कंप्रेशन इजनेशन इंजन को सीआई इंजन कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान लगभग 30 से 40 बार प्रेशर पर इस एयर और फ्यूल को, यानी फ्यूल एयर को कंप्रेस किया जाता है। एयर को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं कंप्रेशन इजनेशन इंजन में, और फिर फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल सप्लाई करके इसे क्या किया जाता है? इजनेट किया जाता है। यह आपका इसका मैकेनिज्म होता है। सीआई इंजन बोले तो कंप्रेशन इजनेशन इंजन, और कंप्रेशन इजनेशन इंजन जो होता है उस इंजन की खासियत क्या होती है बेटा? ये आपका एक प्रकार का कौन सा इंजन है? डीजल इंजन है। खासियत यह है कि हाई प्रेशर पर एयर को कंप्रेस करके इजनेशन या इंजेक्टर के द्वारा इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? पावर मिलती है। ठीक है बेटा। चलो बेटा, नेक्स्ट संडे को फीटर का मैराथन लगा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन वो इंजन होते हैं जिसमें दहन इंजन सिलेंडर के बाहर होता है। सर, डीजल मैकेनिक ट्रेड यूट्यूब पर एक बार पूरा करा दीजिए प्लीज। ओके बेटा, हमारी तो कोशिश आज बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर मैं आपको जितना भी बेटा ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपनी तरफ से पूरी जान लगाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। और जिन बच्चों का भी जीडीसी का एग्ज़ाम है, जिनको अभी जल्दी करना है कवर, तो वो बच्चे बेटा पूरा का पूरा कोर्स अपना एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। मात्र 799 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिस पे लाइव क्लासेज भी हैं और रिकॉर्डेड क्लास भी है। तो जीडीसी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। कौन सा एक्सटर्नल कंबस्शन? देखो जी, पेट्रोल इंजन तो आईसी इंजन है, डीजल इंजन भी आईसी इंजन है, एलपी ये गैस इंजन के अंदर आता है। तो आपका स्टीम इंजन, लोकोमोटिव जो इंजन होता है, जिसकी खोज जेम्स वाट ने की थी, ये इंजन आप लोगों का इसके अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फ्यूल इज बर्न इन इंटरनल कंबस्शन इंजन द केमिकल एनर्जी स्टोर इन द चेंज। बेटा जी ध्यान रखना, मैंने कहा जब इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल को जलाया जाता है, ओनली फॉर जिस शब्द की मैं कहूँ उस शब्द को पकड़ना है। फ्यूल को यदि आप जलाते हो तो कौन सी एनर्जी डेवलप होती है, कौन सी एनर्जी आप लोगों को मिलती है? फ्यूल को जलाने पर एक स्टेप आगे भागने की कोशिश मत करना भाई। क्वेश्चन ये है कि फ्यूल को जलाने पर कौन सी एनर्जी मिलती है? फ्यूल
फ्यूल को बर्न करने पर कौन सी एनर्जी मिलती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। हीट 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 हीट। ओके नीरज, अभिषेक दे, शुभम, वाओ मेरे अभिषेक दे। चलो बेटा, तो मैंने कहा कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कौन सी एनर्जी मिलती है बेटा, हीट एनर्जी मिलती है फ्यूल को जलाने पर। तो हमारा कौन सा आंसर होगा बेटा, सी आंसर सही है। चले आगे। हाँ जल्दी फीटर की बुक लॉन्च करेंगे, आप चिंतित ना हो अश्वनी जी। चलो जल्दी से देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की जाने वाली इजनेशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को किस इंजन के नाम से जाना जाता है। डीजल इंजन में जो इजनेशन होता है वो कौन सा है, कंप्रेशन इजनेशन है या स्पार्क इजनेशन है। कंप्रेशन इजनेशन है या स्पार्क इजनेशन है, ये आप लोगों को बताना है। ए ए ए ए ए नीरज कुमार, मजा आ रहा है, चलो अच्छा लगा हमें। सर जीडीसी एग्जाम हम स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं क्या? दे लो भाई, एक्सपीरियंस के लिए देना है तो आप टेस्ट सीरीज दे लीजिए ना, बहुत अच्छा, मतलब सेम पैटर्न मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन द इजनेशन मेथड यूज ए डीजल इंजन, डीजल इंजन में जो इजनेशन मेथड यूज लेते हैं वो होता है बेटा कंप्रेशन इजनेशन। देखो जी, अभी मैं आप लोगों को वैसे क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं, ये जो पूरी टेंशन या पूरी जो झंझट है ना आप लोगों की, ये अभी मैं खत्म करने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं उसमें पूरी टेंशनों को खत्म कर दूंगा। ये जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई, ये सारी टेंशन एक मिनट में खत्म कर दूंगा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन लेकर आया हूं। जल्दी से सभी बच्चे इस क्लासिफिकेशन को फोकस करें। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन क्या होता है, इंजन को मैंने एक एक छोटे छोटे भागों में, एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अब इस इंजन को मैं यहां से पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। क्लियर है बेटा? चलो अश्वनी कुमार, मेरा नाम देवेंद्र सैनी है बेटा, मैं बीटेक हूं मैकेनिकल इंजीनियर से, डिप्लोमा हूं मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैंने सीआईटीएस कर रखी है फीटर और डीजल दोनों ट्रेडों से। ठीक है बेटा, चलो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन के, पहले हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की जो पोजीशन है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं बेटा इंजन की। पहले तो मैं ये देखूं कि सिलेंडर को किस किस पोजीशन में लगाया जाता है। बेटा कुछ गाड़ी वाले ऐसे होते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो सिलेंडर किस पोजीशन में लगाती है, वर्टिकल पोजीशन में लगाती है, तो इस इंजन को नाम दे दिया वर्टिकल इंजन। वर्टिकल इंजन आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी बजाज की गाड़ियां होती हैं उसमें कौन सा इंजन यूज लेते हैं, वर्टिकल इंजन यूज में लेते हैं। कौन सा? वर्टिकल। दूसरा होता है बेटा हॉरिजॉन्टल इंजन। जो होंडा की गाड़ियां आती है, हीरो होंडा की गाड़ियां होती हैं, उनमें कौन सा इंजन काम आता है, हॉरिजॉन्टल इंजन काम आता है। तो एक तो इंजन हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल, एक इंजन होते हैं बेटा वी टाइप। ये वी टाइप इंजन जो है ये जनरली यूज में लिए जाते हैं बेटा, कंप्रेसर वगैरह होते हैं ना हमारे, आप लोगों ने यदि कहीं पर कारों का वॉशिंग सेंटर देखा होगा, धुलाई सेंटर जहां पर कार वॉश करते हैं, तो वहां पर इस प्रकार के इंजन जो होते हैं वो कंप्रेसर में यूज लिए जाते हैं। तो ये इंजन कौन सा है तुम्हारा, ये है बेटा वर्टिकल इंजन। वर्टिकल इंजन सॉरी वी इंजन, और ये वी इंजन जो है इनका ये जो वी एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, थोड़ा सा याद रख लेना बेटा। मैंने कहा कि वी टाइप सिलेंडर जो होते हैं, वी टाइप सिलेंडर में कितने इंजन लगे हैं भाई, दो लगे हुए हैं, जिनके बीच का एंगल कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इसके बाद में अगला इंजन होता है हमारा रेडियल इंजन। रेडियल इंजन इस प्रकार के इंजन होते हैं बेटा, ये रेडियल इंजन होते हैं। स्मॉल एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें इन इंजनों को यूज में लिया जाता है, हमेशा ओड नंबर में रखने की कोशिश करते हैं ड्यू टू बैलेंसिंग।
अगला होता है अपोजिट इंजन। अपोजिट इंजन आप लोगों के इस प्रकार के हैं बेटा, ये एक ये दिखा रखा है आपको और एक ये रहा बेटा, तो ये अपोजिट सिलेंडर इंजन होते हैं, ठीक है, ये अपोजिट सिलेंडर इंजन होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया पहला कौन सा होता है, हॉरिजेंटल जो कि हिरोंडा की गाड़ियों में है, वर्टिकल इंजन जो कि आपकी बजाज की गाड़ियों में होता है, वी टाइप इंजन कंप्रेसर में यूज लेते हैं, रेडियल इंजन स्मॉल एयरक्राफ्ट में यूज लेते हैं, अपोजिट इंजन हायर एफिशिएंसी के लिए यूज लेते हैं। अगला होता है बेटा इंक्लाइंड इंजन, जैसा कि एक तो इंजन होता है बेटा हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल और एक होता है थोड़ा सा इंक्लाइंड, तीन तरह के इंजन एक साथ मैंने कंपैरिजन करके आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। आगे चलें तो अगले इंजन होते हैं बेटा रोटरी इंजन या ग्नोम इंजन, ये जो घूर्णनी इंजन होते हैं ये बड़े एयरक्राफ्ट में यूज में लिए जाते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू सिलेंडर, पहला कौन सा बताया अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की पोजिशन के आधार पर इंजनों को कितने भागों में बांटा है, तो इंजनों को बांटा है बेटा छह भागों में, कितने भागों में बांटा है, छह भागों में सिलेंडर को बांटा गया है, इंजन को बांटा गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अगला है बेटा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के आधार पर पहला होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन जैसे शिप हो गई आपकी, एयरक्राफ्ट एविएशन हो गया, इनमें यूज लेते हैं। इसके बाद में इंडस्ट्रियल इंजन, जैसा आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि ऑयल मिल्स होती है, अपने जो लक्कड़ बग्गे या जुगाड़ जो होते हैं वो होते हैं बेटा, इन सभी के सभी जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज कोई भी है बेटा, कोई इंडस्ट्रियल वर्क होता है, कोई भी पानी खींचने की बोरिंग है वहां पर भी इन्हें यूज में लिया जाता है। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन बेटा, है ना, चले अब आगे अकॉर्डिंग टू फ्यूल बेटा, कुछ इंजन ऐसे होते हैं जिनमें पेट्रोल फ्यूल यूज लेते हैं, कुछ इंजन ऐसे होते हैं जिसमें डीजल फ्यूल यूज लेते हैं। आशीष मोटर मैकेनिक व्हीकल का बैच, चलो जी गुरुजी आप कहां पढ़ाते हो ऑफलाइन, अरे भाई अभी यहां पढ़ा रहा हूं मैं, साइंस मैग्नेट पे यहां पढ़ाता हूं मैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट राजस्थान अलवर में है बेटा, है ना, आप देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू फ्यूल, फ्यूल के आधार पर बात करें तो फ्यूल कौन सा होता है, पहला फ्यूल होता है बेटा पेट्रोल। बेटा ऑनलाइन बैच इज द बेस्ट है प्रेजेंट टाइम में, और साइंस मैग्नेट आपको जो चीज दे रही है ना वो चीज कोई नहीं दे सकती, ये मैं आप लोगों को वादा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने देश जहां में देखा है, मैंने बहुत जगह पर चीजों को देखा है, तो जो चीज हम आपको यहां पर दे रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगी। आप कंपेरिजन कर सकते हो, कितना भी आप देख सकते हो हर एक चीज को, ठीक है, ये मैराथन क्लास जो है उसमें आपके जितने भी डाउट है ना वो आप कैसे भी वो कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, पहला होता है बेटा पेट्रोल इंजन, फ्यूल के आधार पर एक इंजन ऐसे होते हैं जिसमें डीजल यूज लेते हैं, एक इंजन ऐसे होते हैं जिनमें गैस यूज लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक इंजन बनाया, इस इंजन में लगा हुआ है स्पार्क प्लग, बेटा स्पार्क प्लग को देखते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ये इंजन है, इसमें लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर को देखते ही हम लोग बता देंगे कि कौन सा इंजन है, डीजल इंजन है। और इस पेट्रोल इंजन के अंदर ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन जनरेटर लगा दिया, एयर फिल्टर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक इंजन बनाए, जिन इंजनों को गैस इंजन कहा जाता है। अब ये गैस इंजन में बेटा एलपीजी से चलने वाला भी हो सकता है या आपका सीएनजी से चलने वाला भी हो सकता है, क्लियर है बेटा, ये एलपीजी से चलने वाला भी हो सकता है, सीएनजी से चलने वाला भी हो सकता है, ये सारे के सारे इंजन होते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्किंग बेटा, वर्किंग के आधार पर हम अगर बात करें वर्किंग साइकिल कौन कौन सी होती है, तो पहला होता है ऑटो साइकिल, दूसरा होता है बेटा डीजल साइकिल, और तीसरा होता है ड्यूअल साइकिल। बेटा इंजनों के अंदर साइकिलें यूज में लेते हैं, जैसे
पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर वर्क करता है, ऑटो साइकिल पर। ये एक बड़े बड़े लेवल पर मोटा मोटा मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं बेटा। कंप्लीट जो है एक एक टॉपिक आप लोगों को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं मैं आज, एक एक चीज को। जैसे ऑटो साइकिल क्या होती है, डीजल साइकिल क्या होती है, ड्यूअल साइकिल क्या होती है, स्पार्क प्लग क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे हम। अभी मैं आप लोगों को ओनली क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं इसका। पहला होता है बेटा ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट रिजेक्शन होता है। यहां पर हीट एडिशन होता है, इन्हें बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन, इसे बोलते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है बेटा, ये आप लोगों की जो साइकिल है इसे बोलते हैं ऑटो साइकिल। अभी तो आप ये याद रख लीजिए कि ऑटो साइकिल पर कौन सा इंजन काम करता है। ऑटो साइकिल पर जो इंजन वर्क करता है उस इंजन को बोलते हैं पेट्रोल इंजन। और पेट्रोल इंजन के अंदर कॉन्स्टेंट क्या रहती है, तो पेट्रोल इंजन में कॉन्स्टेंट रहता है वॉल्यूम। क्या कॉन्स्टेंट रहता है बेटा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है। क्लियर बेटा, आगे देखते हैं। अगला होता है डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल जो होती है एक कौन सा इंजन है बेटा, कौन सा इंजन वर्क करता है डीजल साइकिल पर, तो इस पर वर्क करता है डीजल इंजन। और डीजल इंजन वर्क करता है तो प्रेशर क्या रहता है बेटा, प्रेशर होता है आपका कांस्टेंट। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगली साइकिल होती है ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल जो है वो हैवी लोडिंग व्हीकल जो होते हैं जैसे ट्रक वगैरह हो गए आपके, उनमें काम में ले जाती है और इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये आप लोगों की एक साइकिल है बेटा जिसे डीजल साइकिल बोलते हैं। इस डीजल साइकिल में हीट एडिशन किस पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। ये आप लोगों की ड्यूअल साइकिल है, इस ड्यूअल साइकिल में हीट एडिशन एक बार तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। जब भी आंखों में बेकरारी, दिन में बेकरारी होती है, जब किसी को किसी से क्या होता है बेटा, प्यार होता है, अपनी सब्जेक्ट से प्यार कर लो। मैंने कहा पेट्रोल इंजन है, कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और ये किस साइकिल पर वर्क करता है, ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। साइकिल बनाना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, आप चिंता ना करें। दूसरा जो इंजन होता है उसे बोलते हैं डीजल इंजन। और बेटा डीजल इंजन जो होता है जिस साइकिल पर वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, डीजल साइकिल कहते हैं। और डीजल साइकिल जो आप लोगों की होती है इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और इन दोनों को मिलाकर एक नई साइकिल बनाई जिसका नाम है बेटा ड्यूअल साइकिल। यानी आपका जो हैवी लोडिंग व्हीकल होते हैं, हैवी लोडिंग इंजन जो होते हैं उनमें यूज में लेते हैं बेटा, हैवी लोडिंग इंजन के अंदर। कौन सी साइकिल को यूज लेते हैं, ड्यूअल साइकिल को यूज लेते हैं जिसमें प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। बेटा जी एक चीज मैं बता दूं, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब हीट का जो एडिशन है, ऊष्मा तो जो आप लोगों को दी जाती है वो ऊष्मा दी जाएगी नियत आयतन पर। नियत आयतन बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर ऊष्मा को क्या किया जाता है, दिया जाता है। यहां पर डीजल साइकिल में नियत दाब पर यानी दाब कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, वहां पर हीट का एडिशन किया जाएगा, हीट दी जाएगी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं हैवी लोडिंग इंजन, तो हैवी लोडिंग इंजन ड्यूअल साइकिल पर वर्क करते हैं। इनमें जो हीट का एडिशन है, ऊष्मा जो दी जाती है वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी जाती है। मेरी बात आप लोगों को यदि समझ में आ गई हो तो बताएं, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। ये वाली जो साइकिल है ये ऑटो साइकिल, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करती है। ये वाली जो साइकिल है ये कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करती है। और ये वाली जो साइकिल है बेटा ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पर वर्क करती है। आप भी टेंशन ना लें, आपको भी इसी तरीके से डायग्राम बनाना सिखा दूंगा, वादा रहा मेरा। क्योंकि थ्योरी नहीं, थ्योरी के हीरो हैं हम। देखो आगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, बेटा बात करते हैं स्ट्रोक के आधार पर कि इंजन को स्ट्रोक के आधार पर कैसे बांटा जाता है, इंजन को स्ट्रोक के आधार पर कैसे बांटा जाता है ये देखते हैं।
एक होता है बेटा टू स्ट्रोक इंजन और एक होता है फोर स्ट्रोक इंजन। एक इंजन होता है टू स्ट्रोक, एक होता है फोर स्ट्रोक। बेटा इन इंजनों को टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? टू स्ट्रोक इंजन वो इंजन होता है जिसमें ईंधन का दहन दो स्ट्रोकों में कर दिया जाता है, यानी फ्यूल का दहन जो है वो दो स्ट्रोकों में हो जाए उसे टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, और अगर चार स्ट्रोक में हो तो उसे फोर स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। जैसे यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है, पिस्टन आया नीचे की तरफ तो इसमें क्या हो गया, सक्शन हो गया। क्या हो गया? सक्शन। सक्शन को बोलते हैं बेटा चूसना। चूसते कैसे हैं, ऐसे तो चूसते हैं, तो चूसना क्या होता है, चूसना होता है, हाँ बेटा टू स्ट्रोक वाल पोर्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो चूसन या सक्शन क्या होता है, जिसमें एयर को खींचा जाता है, शक किया जाता है, चूसा जाता है। तो चूसन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल के मिश्रण को क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। यहां पर क्या किया बेटा, कंप्रेशन किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है, पावर डेवलप होती है, पिस्टन नीचे आता है, और यहां पर क्या हुआ बेटा, पिस्टन ऊपर जाएगा, बर्न गैसेज को बाहर निकालता है। आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा सक्शन, कंप्रेशन, पावर और तुम्हारा एग्जॉस्ट, कितने स्ट्रोक होते हैं, चार, चार स्ट्रोक होते हैं बेटा इंजन में। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। चूसन, पहले चूसो, फिर दबाओ, फिर शक्ति दिखाओ, फिर निकाल दो। क्लियर बेटा, पहले चूसो, फिर दबाओ, फिर शक्ति दिखाओ, फिर निकाल दो। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, कितने स्ट्रोक है बेटा, चार स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक के दौरान पिस्टन नीचे जाएगा, ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन नीचे आया, ये क्रैंकशाफ्ट घूमी, बेटा ध्यान से देखना, क्रैंकशाफ्ट यहां पर थी, घूमकर यहां पर आ गई, क्रैंकशाफ्ट यहां पर आई, क्रैंकशाफ्ट यहां पर आई और वापस इस पोजीशन में आ गई। यानी क्रैंकशाफ्ट ने अपने कितने चक्कर करे, एक ही तो करा। क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को देखना, क्रैंकशाफ्ट यहां से चली, यहां आई, इस पोजीशन पे आई और वापस वहीं आ गई जहां पहले में थी। यानी टू स्ट्रोक इंजन वो इंजन होता है जिसमें चार स्ट्रोक होते हैं या दो स्ट्रोक होते हैं बेटा, जिसमें स्ट्रोक दो ही होते हैं। दो स्ट्रोक का मतलब इसमें सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होता है, पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होता है। टू स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें दो स्ट्रोक होते हैं, और क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर करती है, तो क्रैंक शाफ्ट आप लोगों के चक्कर काटेगी कितने, एक चक्कर काटेगी। एक साइकिल कंप्लीट करती है क्रैंक शाफ्ट, और एक चक्कर पूरा करने में एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पावर स्ट्रोक मिल जाता है। दो स्ट्रोक कैसे हुए, पिस्टन नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, बस कितने स्ट्रोक हुए, दो स्ट्रोक हुए, इसलिए टू स्ट्रोक इंजन बोल दिया। और क्रैंक शाफ्ट ने कितने चक्कर करे, एक करा। ये जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन को यदि हम समझें तो फोर स्ट्रोक इंजन में ध्यान से देखो, ये तुम्हारी घूमने लगी, ये क्रैंक शाफ्ट जो रोटेशन करती है, ये क्या करती है, क्रैंक शाफ्ट फोर स्ट्रोक इंजन में रोटेशन कितने करेगी, तो इसमें स्ट्रोक कितने होते हैं, चार स्ट्रोक। पिस्टन नीचे से कहां जाएगा, ऊपर से कहां आएगा, नीचे। जैसे ही ऊपर से नीचे आता है 180 डिग्री का रिवोल्यूशन कंप्लीट, फिर नीचे से कहां जाएगा, ऊपर 180 डिग्री का रिवोल्यूशन कंप्लीट, फिर वापस कहां आएगा, नीचे 180 डिग्री रिवोल्यूशन कंप्लीट और वापस ऊपर गया, कितना 180 बेटा, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी क्रैंक शाफ्ट कितने डिग्री पर घूमी, 720 डिग्री पर घूमी, और 720 डिग्री यानी 360 में एक चक्कर होंगे, तो यहां पर दो रिवोल्यूशन हो गए तुम्हारे, किसके, क्रैंक शाफ्ट के। कितने रिवोल्यूशन हो गए, दो रिवोल्यूशन हो गए क्रैंक शाफ्ट के, और इसमें एक पावर स्ट्रोक आप लोगों को मिला। यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि यहां पर क्रैंक शाफ्ट को दो बार घूमना पड़ा तब जाके एक पावर स्ट्रोक मिला, यहां पर एक चक्कर में ही इसने एक पावर स्ट्रोक ले लिया। इसका मतलब ये जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं इनमें दुगनी पावर होती है, कौन से इंजन की तुलना में, फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में। बात को समझना मेरी को, अगर दम लगे तो कहना बेटा टू स्ट्रोक इंजन में सक्शन और कंप्रेशन एक साथ हुआ,
ये कितने डिग्री घुमा? 180 डिग्री। और कंप्रेशन और पावर एक साथ हुआ, पावर और एग्जॉस्ट एक साथ हुआ, कितना हो गया? 180 डिग्री। कौन से इंजन में? टू स्ट्रोक इंजन में। टू स्ट्रोक इंजन में 180 कितना हो गया? 360 डिग्री का रिवोल्यूशन। यानी आप लोगों के टू स्ट्रोक इंजन में दो स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट को कितने चक्कर काटने पड़े? तो क्रैंक शाफ्ट को चक्कर काटने पड़ा एक, और इस दौरान आपको एक पावर स्ट्रोक मिल गया। और पावर स्ट्रोक तो बेटा एक ही मिलना है। फोर स्ट्रोक इंजन में आप लोग क्या करते हो? पहले होता है सक्शन 180 डिग्री तक, फिर होता है कंप्रेशन 180 डिग्री तक, फिर होता ही डेवलप होती है पावर 180 तक, फिर होता है बेटा एग्जॉस्ट 180 डिग्री तक। तो 80 80 80 80 720 डिग्री, 360 में एक रिवोल्यूशन, यानी दो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए क्रैंक शाफ्ट ने, तो दो रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? और बेटा यदि एक पावर स्ट्रोक मिला, क्रैंक शाफ्ट के दो रिवोल्यूशन हुए, तो क्रैंक शाफ्ट से आधी घूमती है कैम शाफ्ट, तो एक रिवोल्यूशन होगा कौन सी शाफ्ट का? कैम शाफ्ट का। कौन सी शाफ्ट का? कैम शाफ्ट का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। क्लियर है? क्या मेरी ये बात आप लोगों के दिल दिमाग किडनी फेफड़े तक पहुंच गई है? बेबी यादव सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। ओके, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा चलें आगे। चलो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिलेंडर। बेटा सिलेंडर के आधार पर इंजन को दो भागों में बांटा, एक सिंगल सिलेंडर होता है, एक मल्टी सिलेंडर। जैसा कि आप लोगों को यहां पे दिखाया गया सिंगल सिलेंडर है, और यहां पर एक सिलेंडर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, कितने सिलेंडर हो गए? चार। यानी मल्टी सिलेंडर इंजन है बेटा। कौन सा है? मल्टी सिलेंडर इंजन। और मल्टी सिलेंडर इंजन यानी दो से एक से ज्यादा सिलेंडर मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। और मल्टी सिलेंडर इंजन का की इंडिकेटेड या ब्रेक पावर को निकालने के लिए टेस्ट करते हैं, जिसे मोर्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन की पावर को ज्ञात करने के लिए इंडिकेटेड डायग्राम जो होता है उससे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती है, इसलिए मल्टी सिलेंडर इंजन यूज लेते हैं। बिल्कुल बेटा, मोटरसाइकिल में सिंगल सिलेंडर इंजन यूज लेते हैं, और जो आप लोगों की बाइक वगैरह है उसमें, और बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनमें मल्टी सिलेंडर इंजन को काम लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला होता है बेटा अकॉर्डिंग टू इजनेशन। देखो जी, दो नाम आएंगे आपके सामने, एक तो आएगा एसआई इंजन, एक आएगा सीआई इंजन। एसआई से सीधा सा समझ जाना स्पार्क इजनेशन इंजन, और स्पार्क इजनेशन इंजन बोले तो पेट्रोल इंजन। वो इंजन जिसमें स्पार्किंग की जाती है उसे स्पार्क इजनेशन इंजन बोलते हैं, और स्पार्क इजनेशन इंजन जो है उसके अंदर जो आता है वो आता है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल के मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क करके जलाया जाता है, इसी कारण इन्हें स्पार्क इजनेशन इंजन कहा जाता है, और शॉर्टकट में बोलते हैं एसआई इंजन। क्लियर है? आगे देखें कंप्रेशन इजनेशन इंजन। तो डीजल इंजन में इनलेट वाल्व से केवल एयर आती है, सॉरी डीजल इंजन में इनलेट वाल्व से केवल एयर आती है, और उस एयर को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद में फ्यूल इंजेक्टर से उसे जलाया जाता है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर जो है वो फ्यूल को स्प्रे करता है, इंजेक्ट करता है, तो यहां पर जो कंप्रेस करके जलाते हैं इसी कारण इसका नाम हो गया कंप्रेशन इजनेशन इंजन। एसआई इंजन और सीआई इंजन नाम ही समझ लीजिए, नाम ही काफी है। एक स्पार्क इजनेशन है तो दूसरा कौन सा है? कंप्रेशन इजनेशन है। स्पार्क इजनेशन इंजन में कौन सा इंजन है बेटा? पेट्रोल इंजन। और कंप्रेशन इजनेशन इंजन में कौन सा इंजन है? डीजल इंजन है। क्लियर है? आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू इजनेशन डिवाइस। कप्तान मीना जी ये किसके लिए पढ़ा रहे हैं? बेटा डीजल थ्योरी का है आपका सेशन। अकॉर्डिंग टू इजनेशन डिवाइस, इजनेशन डिवाइस के आधार पर दो भागों में बांटा, एक होता है आपका स्पार्क प्लग। अब ये स्पार्क प्लग अगर आपको किसी इंजन में लगा हुआ दिख जाए तो आंख मीच के बता देना कौन सा इंजन है बेटा?
पेट्रोल इंजन है, और यदि फ्यूल इंजेक्टर मिल जाए तो आप लोग बता देना कौन सा इंजन है बेटा, डीजल इंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलिंग, एक इंजन ऐसे होते हैं जिनमें एयर के द्वारा कूलिंग की जाती है, और जिन इंजन में एयर के द्वारा कूलिंग करते हैं उनमें लगी होती है बेटा फिन्स। इस तरह का आपने इंजन जो होते हैं, हल्के इंजन होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन हो गया आप लोगों का, इन इंजनों में आप लोगों ने इस तरह की ये डिवाइस देखी होगी। इंजन के ऊपर इस प्रकार के स्लोट या खांचे बने रहते हैं जिन्हें फिन्स बोलते हैं। फिन्स बनने से एरिया बढ़ जाता है, कूलिंग अच्छी होती है, तो छोटे इंजनों में एयर कूलिंग की जाती है। और जो बड़े इंजन होते हैं जिनको एयर के द्वारा कूल्ड नहीं किया जा सकता, उनमें जो कूलिंग सिस्टम यूज लेते हैं वो होता है वाटर कूलिंग। और वाटर कूलिंग के लिए जिसको यूज लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडिएटर बोलते हैं। एयर कूलिंग के लिए क्या लगाते हैं बेटा, फिन्स प्रोवाइड करते हैं, और वाटर कूलिंग के लिए क्या करते हैं, रेडिएटर लगाया जाता है। ठीक है, वाटर कूलिंग के लिए क्या लगेगा, रेडिएटर, और एयर कूलिंग के लिए क्या लगेगी, फिन्स लगेगी बेटा। क्या लगेगी, फिन्स प्रोवाइड की जाती है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्निंग बेटा, तीन तरह की गवर्निंग यूज ली जाती है इंजन में। एक होती है क्वालिटी गवर्निंग, एक होती है क्वांटिटी गवर्निंग, और एक होती है हिट एंड मिस गवर्निंग। केशव राम मीना इंग्लिश हिंदी में भी बताएं, चलो ठीक है बेटा। एयर कूलिंग यानी जिसमें हवा के द्वारा कूलिंग करते हैं, वाटर कूलिंग जिसमें पानी के द्वारा कूलिंग करते हैं। अब बात आती है गवर्निंग की, एक होती है बेटा क्वालिटी गवर्निंग। बेटा क्वालिटी यानी गुणवत्ता, गुणतत्ता ऐसे बोलते हैं इनको, इतनी हिंदी तो नहीं आती भई, है ना। तो क्वालिटी जो गवर्निंग होती है, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ, जो क्वालिटी गवर्निंग है वो आप लोगों की यूज में ली जाती है कौन से इंजन में, डीजल इंजन में। और जो क्वांटिटिव गवर्निंग होती है, क्वांटिटी गवर्निंग जो होती है वो किस में यूज ली जाती है, पेट्रोल इंजन में। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये क्वालिटी की जगह क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा बेटा, क्वांटिटी गवर्निंग, क्वांटिटी गवर्निंग। क्वालिटी तो डीजल में और क्वांटिटी किस में यूज लेते हैं, पेट्रोल इंजन में। आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा अपन लोग। एक आती है हिट एंड मिस गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्निंग को यूज लेते हैं बेटा गैस इंजन में। तो आपसे तो है ना जनरली क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं कि पेट्रोल इंजन में कौन सी गवर्निंग काम आती है, डीजल इंजन में कौन सी गवर्निंग काम आती है, और गैस इंजन में कौन सी आती है। पेट्रोल इंजन में कौन सी, क्वांटिटी, डीजल में क्वालिटी, और गैस में हिट एंड मिस गवर्निंग। क्लियर है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अगला है हमारा इंजन के कुछ भाग है अब आपके सामने, उनको हम देखते हैं। तुषार खंडेलवाल सर साइंस मैग्नेट से जुड़ गए, हाँ बेटा चलो। तो फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ इंजन, ये कुछ पार्ट्स हैं जो आपके इंजन के अंदर क्या लिए जाते हैं बेटा, काम लिए जाते हैं। इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो पार्ट है बेटा उसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर के तीन भाग होते हैं बेटा इंजन के। अब पार्ट्सों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया आज के सेशन में, आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ इंजन, यानी इंजन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको दो तरह के इंजन बताए, एक होता है ईसी इंजन और एक होता है आईसी इंजन। बेटा इंजन को दो भागों में बांटा, एक था एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन जो कि स्टीम इंजन था जिसकी खोज जेम्स वाट ने की, एक था आईसी इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन अंतः दहन इंजन जिसमें दहन सिलेंडर के अंदर होता है। आगे चलते हैं, फिर हमने देखा कि इनका क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं कि कौन कौन से इंजन को कहां कहां पर काम लेते हैं और इंजन किस तरह से आप लोगों के यूज में लेते हैं। जैसे सिलेंडर कितने होते हैं, सिलेंडर के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन सी गवर्निंग यूज लेते हैं, इन सभी को बात किया था। ठीक है, इंजन एंड इट्स टाइप, हाँ बेटा। इसके बाद में हम अब स्टार्ट करते हैं इंजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
एक एक पार्ट्स को पढ़ते हैं जिससे हमें इंजन का एक बेसिक कंस्ट्रक्शन या इंजन की बेसिक नॉलेज हो जाए, और उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा इंजन के ऑपरेशन पर। ठीक है बेटा, पहले नंबर पे आता है बेटा सिलेंडर हेड, जो कि सिलेंडर का ऊपर का भाग होता है। आप लोगों का जो इंजन होता है ये तीन भागों में मिलकर बना होता है, एक पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट आपका ये होता है बेटा, और थर्ड पार्ट ये होता है। इन तीन भागों से मिलकर बना होता है एक इंजन। इस वाले भाग को कहते हैं ऊपर वाले को हेड, क्या बोलते हैं बेटा इंजन का हेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं बेटा, और इसे बोलते हैं क्रैंक केस। इसे क्या बोलते हैं, क्रैंक केस कहते हैं। तो सिलेंडर के कितने भाग हुए, तीन पार्ट्स हुए बेटा। पहला कौन सा हेड, दूसरा कौन सा ब्लॉक, और तीसरा कौन सा क्रैंक केस। हाँ बेटा, पीडीएफ मिलेगी आपको इस क्लास के, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, है ना। तो पहले नंबर पे सिलेंडर, सिलेंडर का सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है, हेड। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, ब्लॉक। इसी ब्लॉक भाग के अंदर आप लोगों के क्या लगाया जाता है, पिस्टन लगाया जाता है, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रैंक केस कहते हैं। एक एक को अभी हम डिटेल से देखते हैं, मैं एक बार आपको हल्का सा इनके बारे में बताना चाह रहा था। अब चलते हैं एक एक पार्ट्स के अंदर। पहला जो पार्ट्स है वो है आपका क्या बेटा, सिलेंडर। सिलेंडर इंजन, सिलेंडर ब्लॉक जो होता है, सिलेंडर हेड जो होता है, और क्रैंक केस होता है। इन तीनों पार्ट्सों को ऑटोमोबाइल के स्थिर बॉडी की रचना करते हैं, जो कि इंजन की मेन नींव होते हैं। मैंने कहा सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड एंड क्रैंक केस, दीज थ्री पार्ट फ्रॉम द स्टेबल बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन विच इज फाउंडेशन ऑफ इंजन। ये आपके सामने एक इंजन रखा हुआ है बेटा, ये आपके सामने हमने पूरा क्लास कितने घंटे का है बेटा, आज का सेशन लगभग 3-4 घंटे चलेगा आपका, है ना सुशील कुमार जी। देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा आपका एक इंजन है बेटा, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। इस इंजन के तीन पार्ट्स आप लोगों को मैं क्लियर करके बता देता हूं कौन कौन से हैं। पहला जो पार्ट्स है ये ऊपर वाला भाग है बेटा, ये आपका पहला भाग है जो कि ऊपर का हिस्सा होता है। ये वाला भाग जो यहां से ऊपर ऊपर का भाग है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का क्या है बेटा, ये कंप्लीट भाग कहलाता है आपका हेड, जो कि हमने रेड कलर की बाउंड्री से हाईलाइट कर रखा है। ये जो बीच वाला पार्ट आप लोगों को दिखाया गया है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा का पूरा पार्ट होता है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आप लोगों का ब्लॉक। और सबसे नीचे का भाग जिसमें आप लोगों का ऑयल वगैरह भरा रहता है, या मैं सीधे से शब्दों में कहूं जिसमें आपके क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, क्रैंक केस कहते हैं। ठीक है बेटा, रोहित जायसवाल सर, हम तो आप लोगों से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मजा आ जाता है गुरुजी आपकी क्लास लेकर। चलो बेटा, पीसीएम का ट्रेड भी करवाइए सर। बिल्कुल बेटा हीरालाल जी, करवाते हैं। ठीक है, चलो। तो इंजन के सिलेंडर के कितने भाग है, तीन भाग है। एक पार्ट्स ऊपर का है बेटा, जिसे हेड कहते हैं, बीच वाला भाग जो है उसे ब्लॉक कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट्स है उसे नाम देते हैं बेटा क्रैंक के। रिंग भी लगा होता है बेटा जी, कृष्णा रिंग लगा होता है, लेकिन रिंग आप लोगों के सिलेंडर ब्लॉक जो है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर एक पार्ट्स पड़ाऊंगा जिसका नाम पिस्टन है, और पिस्टन पर रिंग लगे होते हैं, जिसमें एक तो होती है आपकी ऑयल रिंग और दूसरी होती है कंप्रेशन रिंग। आ रहा हूं मैं अभी आपके टॉपिक पर, क्यों टेंशन ले रहे हो, पढ़ाने के लिए हम आज उतर ही गए तो पीछे क्यों हटना। अब ओखली में माथा दे दिया तो चोट से क्या घबराना बेटा, आ रहा हूं आप लोगों के पास, चिंता मत करो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया बेटा सिलेंडर, सिलेंडर का ऊपर का भाग हेड, बीच वाले को ब्लॉक, और नीचे वाले को क्रैंक केस कहते हैं।
चलते हैं पहले पार्ट्स पर, सिलेंडर को पढ़ लेते हैं, फिर आपके पिस्टन पर आएंगे, पिस्टन के बाद पिस्टन पिन पर आएंगे, गजन पिन पढ़ेंगे बेटा, एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंतित ना हो। मैंने कहा सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक क्या है बेटा, सिलेंडर ब्लॉक इंजन का मूल आधार या इंजन ब्लॉक का आधार होता है। द सिलेंडर ब्लॉक और इंजन ब्लॉक इज द बेस ऑफ इंजन, ब्लॉक कौन सा भाग है बेटा, बीच वाला भाग होता है। ये आपका इंजन हम यहां पर बना देते हैं, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, और हेड के बाद में बीच वाला पार्ट जो है जिस पर आप लोगों के पिस्टन वगैरह लगे रहते हैं इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक कहते हैं, और इससे नीचे वाला जो पार्ट्स होता है इसे क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं बेटा क्रैंक केस। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्रैंक केस। तो ये तो है आपका क्रैंक केस, लेकिन मैं क्रैंक केस पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं बेटा ब्लॉक, जो बीच वाला पार्ट्स होता है ब्लॉक, और इसी ब्लॉक में क्या लगा रहता है, पिस्टन लगा रहता है, ठीक है बेटा, इसी में क्या लगा रहता है, पिस्टन लगा रहता है, उसकी बात कर रहे हैं कि सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन का बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अपने जहन में उतार लो, आपके दिमाग में उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, कि ये क्वेश्चन आपका आने वाला है कि सिलेंडर ब्लॉक किसका बना होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन का बना होता है, याद रख लेना। एल्युमिनियम अलॉय के भी सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं, लेकिन बेटा एल्युमिनियम अलॉय के वहां बनाएंगे जहां इस इंजन हमको क्या चाहिए, हल्का चाहिए, क्योंकि ये एक हल्की तथा सुचालक धातु होती है, क्योंकि ये लाइटर तथा मोर कंडक्टिव कंडक्टिविटी वाली धातु होती है, कौन सी आपकी, एल्युमिनियम अलॉय। तो भैया क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, हल्के जो इंजन होते हैं उसमें किसका बना होता है, एल्युमिनियम अलॉय के, जो भारी इंजन होते हैं उसमें किसके बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। बड़े सिलेंडर जो होते हैं उन बड़े सिलेंडर के अंदर अलग से क्या लगाए जाते हैं बेटा, लाइनर फिट किए जाते हैं जिनको घिसने पर बदल दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसी इंजन की लाइफ को यदि बढ़ाना है, आपका मन कर गया कि इंजन की उम्र बढ़ानी है, इंजन की सर्विस करनी है, तो क्या बदल दो मेरे बच्चों, लाइनर बदल दो, इंजन की जान बन जाएगी, इंजन दोबारा ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा कि इंजन के अंदर क्या लगाते हैं, लाइनर, तो बेटा लाइनर भी दो तरह के होते हैं। आप एक लाइनर को बदल दो और कह दो कि मैंने तो कर दिखाया, अरे नहीं भाई, दोनों तरह के लाइनरों को बदल दो, इंजन की लाइफ जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंजन की लाइफ जो है वो बेटा बढ़ जाएगी। जेपी मौर्या जी हाय। देखो बेटा दो तरह के लाइनर है, एक वेट लाइनर है, एक ड्राई लाइनर है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वेट लाइनर वो होते हैं जो कूलिंग वाटर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जो पानी के संपर्क में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वेट लाइनर बोलते हैं, और जो बेटा कूलिंग वाटर के संपर्क में नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, ड्राई लाइनर बोलते हैं। मैंने कहा ये वाला जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, इनके ऊपर क्या लगाए, लाइनर लगाए, और ये दो तरह के होते हैं। सिलेंडर के जो लाइनर है वो विशिष्ट मिश्र धातु के बने होते हैं, स्पेशल आयरन एलॉय के बने होते हैं। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं सिलेंडर के अंदर की सतह को सही तरीके से ग्राइंडिंग या होनिंग करते हैं बेटा, जिसके द्वारा उसे शीशे की तरह क्या कर दिया जाता है, चमका दिया जाता है, उसमें चमक पैदा कर देते हैं, अंदर की तरफ से उसकी बहुत खतरनाक तरीके से क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, और फिनिशिंग करने के लिए किस प्रोसेस को यूज में लेते हैं, होनिंग को यूज में लेते हैं। और ये इस तरह से जो चमकाने की प्रोसेस होती है ना शीशे की तरह, इसे मिरर फिनिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिरर फिनिशिंग कहा जाता है। लेकिन बाहर से इंजन की जो फिनिशिंग करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट की जो फिनिशिंग करते हैं, वो किसके द्वारा की जाती है, लेपिंग के द्वारा की जाती है। मैंने कहा द इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर इज प्रॉपरली फिनिश्ड लाइक मिरर बाय ग्राइंडिंग एंड होनिंग, व्हिच इज कॉल्ड एज मिरर फिनिशिंग, द पार्ट आउटसाइड ऑफ इंजन फिनिशिंग बाय द लेपिंग। बाहर से क्या करते हैं बेटा, लेपिंग के द्वारा करते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के तीन भाग होते हैं बेटा। पहले नंबर पर मैंने क्या बताया, सिलेंडर। पहले नंबर पे मैंने क्या बताया, सिलेंडर। सिलेंडर के कितने भाग होते हैं, तीन। अब बेटा सिलेंडर के तीन भाग में से एक भाग पढ़ रहे हैं जिसका नाम सिलेंडर ब्लॉक है, और सिलेंडर ब्लॉक जो है उसमें भी तीन भाग होते हैं। पहला सिलेंडर होता है, दूसरा पोर्ट होते हैं, तीसरे पासेज होते हैं। बेटा सिलेंडर ब्लॉक तो है ही, जिसमें पिस्टन चलता है उसी को क्या नाम देते हैं, सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। जिसमें पिस्टन को चलाया जाता है उसे सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं।
सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, जिसमें पिस्टन क्या करता है, मूव करता है। क्वेश्चन आने वाला है बेटा, क्वेश्चन आने वाला है, स्टार मार लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा जिसमें पिस्टन चलता है उसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। और बेटा पोर्ट से ओपनिंग क्या होते हैं, टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं लगे होते, क्या लगे होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं। तो पोर्ट के द्वारा भी हम इसे बता सकते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आता है, वो इंजन कौन सा है जिसमें आप लोगों के एग्जॉस्ट या जो साइलेंसर होता है जिससे धुआं बाहर निकलता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार, ट्रेड टेस्ट के अंदर, ट्रेड टेस्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम सीआईटीएस कर रहे थे तो हमसे वाईवे में पूछ लिया ये क्वेश्चन, हमसे कहा कि टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन को दूर से देख के बताना है कि कौन सा है। तो बेटा बता देना, यदि किसी इंजन के ब्लॉक के अंदर क्या लगा हुआ है, साइलेंसर लगा हुआ है, किसी इंजन के ब्लॉक में क्या लगा हुआ है, साइलेंसर लगा है, तो टू स्ट्रोक इंजन है। और यदि किसी इंजन के हेड में साइलेंसर लगा हुआ है तो वो कौन सा है बेटा, फोर स्ट्रोक इंजन है। क्लियर है? तो मैंने कहा कि टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उसका जो बीच वाला भाग है सिलेंडर ब्लॉक, उस सिलेंडर ब्लॉक में क्या लगे होते हैं, पोर्ट्स लगे होते हैं, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट लगे होते हैं। ये आपका डिफाइन करेंगे कौन से इंजन को, टू स्ट्रोक इंजन को। एक होते हैं बेटा पासेज, कूलिंग वाटर को बहने के लिए पासेज बनाए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक लाइन और लिख दी, सिंगल सिलेंडर इंजन में सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स होती है, अर्थात आप लोगों का कूलिंग वाटर को बहने के लिए पासेज नहीं बनाए जाते हैं। क्लियर भाई? सुशील कुमार, कितने क्लास आप लगेंगी तो कंप्लीट कराने के लिए टाइम लगेगा। आशीष यादव, अरे भाई सब आपके एज के ही हैं, यहाँ बेटा किसे बोल रहे हो भाई? देख रीजन क्या है आशीष जी, हो सकता है आप हमसे बड़े भी हो, लेकिन हम थोड़ा सा क्या ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो थोड़े से आदत से लाचार हैं, आप इस बात को बुरा ना मानिए, है ना, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का टीचर हूँ और मेरी जो हैबिचुअल है वो थोड़ा सा आदत है, तो आप इसको बुरा ना मानिएगा। बेटा का मतलब एज ए दोस्त भी आप लोग वो है कि एक शब्द में मैं डिफाइन कर दूँ कि मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं लाख कोशिश करूँ ना भाई तो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो में आया पड़ा है, ठीक है ना। तो आशीष जी आप नाराज ना होइए, ठीक है, चलो। तो मैंने कहा आगे देखो बेटा, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक डीजल, हाँ बेटा टू स्ट्रोक पेट्रोल एंड फोर स्ट्रोक डीजल, बिल्कुल बेटा। चलो जी महेश चौधरी जी, चलो देखो सिंगल सिलेंडर इंजन के चारों तरफ क्या लगी होती है, फिन्स लगी होती है। अब आगे देखते हैं बेटा, अगला हम देखते हैं क्रैंकशाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक में कैसा होता है, ये जो क्रैंकशाफ्ट है सिलेंडर ब्लॉक में कैसा होता है। अगला देखें बेटा, सिलेंडर ब्लॉक के साथ साथ वाटर पंप, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाईव्हील, इनलेट आउटलेट मैनिफोल्ड, एयर फिल्टर, कार्बोरेटर आदि उपकरण आपके क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखें तो यहां पर इसके निचले भाग में ऑयल सम्प लगा होता है और ऊपर वाला जो भाग है उस पर सिलेंडर हेड लगा होता है। बेटा ये तो मैंने बता ही दिया, ये ऊपर वाला भाग है, इस पर सिलेंडर हेड है, ये आप लोगों का क्या है, ब्लॉक है, और नीचे वाले भाग में क्या लगा रहता है, ऑयल सम्प लगा रहता है। क्या लगा रहता है बेटा, हेड लगा रहता है ऊपरी भाग में और नीचे वाले में क्या होता है, ऑयल पैन या ऑयल सम्प लगा होता है। और इसी ऑयल सम्प को जिसमें ये होता है क्रैंक केस, क्या है बेटा, क्रैंक केस है। ऊपर वाला कौन सा है, हेड है, और ये ब्लॉक है बेटा। अब इसको देखकर अपन आसानी से वैसे ही बता सकते हैं कि ब्लॉक का ऊपर वाला भाग हेड है और नीचे वाला ऑयल सम्प या क्रैंक केस होता है, ठीक है बेटा। चलो सर, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं, आ रहा है अभी, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, अभी बताऊंगा तो सही ना, क्यों टेंशन लेते हो। चलो आगे देखते हैं बेटा, दूसरे नंबर का आप लोगों का है सिलेंडर हेड। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज को ध्यान से समझ लेना, एक चीज को ध्यान से समझ लेना, मैंने आपसे कहा कि एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, पार्ट्स ऑफ इंजन, पार्ट्स ऑफ इंजन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंडर पढ़ रहे हैं। और सिलेंडर के अंदर मैंने बताया कि सिलेंडर तीन भागों से मिलकर बना होता है, पहला भाग होता है बेटा सिलेंडर का ब्लॉक, दूसरा भाग होता है सिलेंडर का हेड, और तीसरा भाग होता है क्रैंक केस,
ठीक है जी, अभी दूसरे पे तो हम गए ही नहीं। पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को क्या बताया, ब्लॉक बताया। बीच वाले भाग को ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक के तीन भाग होते हैं। एक होता है आप लोगों का क्या, एक तो आप लोगों का होता है सिलेंडर ब्लॉक, जिसे बीच का भाग कहते हैं। उस बीच के भाग में क्या रहता है बेटा, पिस्टन मूव करता है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि भैया दूसरे होते हैं पासेज। क्या होते हैं पासेज? होते हैं पोर्ट होते हैं, और ये आपके होते हैं पोर्ट। लेकिन पोर्ट ओनली टू स्ट्रोक इंजन में होते हैं, पासेज जो होते हैं वो सिंगल सिलेंडर इंजन में नहीं लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि पासेज उसके लिए होते हैं जो कूलिंग वाटर को फ्लो करते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन में फिन्स लगी होती हैं। अब हम चलते हैं किस पर, हेड पर। और थोड़ा सा मैं आपको लोगों को बता दूं बेटा, सिलेंडर जो होता है वो किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, या कास्ट आयरन ना जाए तो भी ठीक है। हल्के जो इंजन होते हैं वो एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई सिक वगैरह हो तो बता दीजिए बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, सिक वगैरह हो तो बता दीजिए, जल्दी से देखिए। यहां तक कोई सिक वगैरह है तो बता दीजिए। कृष्णा जी आ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आगे देखते हैं बेटा, सिलेंडर हेड। सिलेंडर के अंदर बीच वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर वाले पार्ट पर, जिसका नाम क्या है, हेड है। हेड क्या होता है, सिलेंडर के ऊपरी भाग को सिलेंडर हेड कहते हैं। यानी सिलेंडर के ऊपरी भाग पर क्या खसा रहता है, सिलेंडर हेड का खसा रहता है। द सिलेंडर हेड इज टाइट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर हेड किसका बना होता है बेटा, ग्रे कास्ट आयरन का, और हल्के इंजनों में किसका बना होता है, एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है। सिलेंडर हेड जो है ग्रे कास्ट आयरन का, हल्के इंजनों में एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक में कंबस्शन चैम्बर रहता है बेटा। कौन सा चैम्बर रहता है, कंबस्शन चैम्बर रहता है, दहन कक्ष रहता है। जब बेटा कंप्रेशन स्ट्रोक का लास्ट होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक का लास्ट बोले तो बेटा पावर स्ट्रोक जब पैदा करनी होती है तो उस समय पर फ्यूल को इग्नेट किया जाता है ना। वो फ्यूल को इग्नेट किस में किया जाता है, इसी हिस्से के अंदर करते हैं, हेड के द्वारा। क्योंकि हेड पर क्या लगा रहता है, स्पार्क प्लग लगे रहता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। द ओपनिंग और क्लोजिंग, मेरी बात को ध्यान से समझना, हेड जो होता है, हेड पर तो स्पार्क प्लग लगा रहता है, लेकिन पिस्टन मूव कहां पर करता है, पिस्टन मूव करेगा सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। यानी पावर, ये कंबस्शन चैंबर तो क्या होता है तुम्हारा, कंबस्शन चैम्बर तो होता है तुम्हारा कौन, सिलेंडर का ब्लो। लेकिन ये कंबस्शन करने के लिए स्पार्क प्लग जहां लगा होता है वो कहां लगे होते हैं, हेड में लगे होते हैं। ओपनिंग और क्लोज वाल, वाल जो होते हैं इनलेट वाल, आउटलेट वाल जो होते हैं, ये कहां पर होते हैं बेटा, तुम्हारे सिलेंडर हेड में होते हैं। नीरज कुमार, सिलेंडर हेड इज मेड कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉय। बिल्कुल बेटा एकदम सही है आपका, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर एंड वाल आर अटैच टू इट। ये आप लोगों के स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं वो कहाँ पर अटैच होते हैं, आप लोगों के हेड पर अटैच होते हैं। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर हेड पर फिन्स लगे होते हैं, वाटर कूल्ड इंजन में कूलिंग वाटर के बहने के लिए पैसेज बने होते हैं। आगे चलें बेटा, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में कुछ गैस्केट लगाए जाते हैं बेटा। क्या लगाए जाते हैं, गैस्केट लगाए जाते हैं। टू प्रिवेंट लीकेज ए गैस्केट इज प्लेस्ड बिटवीन द सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड का निचले वाले भाग में कंबस्शन चैम्बर होता है। सिलेंडर के निचला वाला, हेड का निचले वाला भाग कंबस्शन चैम्बर ही तो होता है बेटा, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। आगे देखें, कंबस्शन चैम्बर वाल्व मैकेनिज्म स्पार्क प्लग की स्थिति सिलेंडर हेड के डिजाइन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बेटा, रोकर शाफ्ट सिलेंडर हेड के ऊपर लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के साथ ढला होता है। सिलेंडर हेड जो है, ऊपर वाला भाग हेड और नीचे वाला कौन सा है, ब्लॉक, इसी के अनुसार बनाया जाता है। अगला तीसरा जो पार्ट है उसका नाम क्या है बेटा, क्रैंक केस है। क्या नाम है, क्रैंक केस। देखो जी, सिलेंडर हेड के अंदर क्या पड़ा, मेन मुद्दे की जो बात है वो क्या होती है, ऊपर वाला भाग क्या है, हेड। वाल कहां लगे होते हैं, हेड में। पोर्ट कहां लगे होते हैं, ब्लॉक में, है ना। वाल कहां लगे होते हैं, इनलेट वाल और आउटलेट वाल। ये वाला इनलेट और आउटलेट वाल जो लगे होते हैं, ये आपके कहां लगे होते हैं बेटा, हेड पर लगे होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर या स्पार्क प्लग अगर आपको लगाना है तो भी कहां लगाओगे, हेड पर लगाओगे, ठीक है बेटा।
एयर वाटर कूल्ड इंजन में पासेज जो लगे होते हैं वो भी इसी जगह पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, ये आपके हेड से संबंधित हैं। लेकिन कंबस्टन चैम्बर जिसे कहते हैं, दहन कक्ष जिसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं बेटा? ब्लॉक को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्लॉक को कंबस्टन चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें हमें पढ़नी थी। अब हम तीसरे मुद्दे पर आए, नीचे वाला जो पार्ट्स है, इस नीचे वाले पार्ट्स को नाम देते हैं बेटा क्या? क्रैंक केस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रैंक केस नाम देते हैं। इस प्यार को क्या नाम दे? इस प्यार को नाम दे दीजिए क्रैंक केस। ठीक है बेटा, चलो। यह सिलेंडर का सबसे निचला भाग होता है जिसे क्रैंक केस के नाम से जाना जाता है। ऑयल सम्प कहते हैं, अर्थात इसमें ऑयल भी भरा जाता है। अब बेटा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गए हैं, RSMSSB मैकेनिक डीजल 23/12/2019। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जल्दी से इन क्वेश्चनों को देखिए। अधीनस्थ बोर्ड, बेटा राजस्थान में एक बोर्ड है जिसे RSMSSB के नाम से जाना जाता है, अधीनस्थ बोर्ड। और ITI में एक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, ITI कॉलेज में जो टीचर होते हैं, ITI इंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं, उस ITI इंस्ट्रक्टर में 23/12/2019 को ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैंने अभी आप लोगों को चीख चीख कर इसके बारे में बताया कि ये क्या होता है भाई, जल्दी से बता दीजिए। अभी मैंने इसके बारे में आपको खूब डिटेल में समझाया कि अगर किसी इंजन की लाइफ को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों ने उस समय हाँ भी किया था भाई। तो अब आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे, काले कुएं से डरियो। इंजन की लाइफ बढ़ानी है तो आपको क्या बदलना चाहिए? हमारे प्यारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, कृष्णा, तेज किशोर, वाओ तेज किशोर, शुभम, बिल्कुल बेटा लाइनर बदलने चाहिए। क्रिकेट हिट्स, सर आज पहली बार थ्योरी पढ़ रहा हूं, कैसे याद होगा? बेटा देखो, थ्योरी जो है ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे समझा जाता है। अगर अपन को थ्योरी समझ में आ गई ना, तो हम कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। क्रिकेट हिट जी, आप ना रेगुलर सेशन को देखते रहो, और लास्ट में मैं हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन लेकर आऊंगा। हर एक छोटे से टॉपिक, यानी एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो, उसके बाद मैं क्वेश्चन ले आऊंगा। तो आपको उससे क्या ये हो जाएगा कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि ये चीजें समझ में आ रही है बेटा, बार बार इसको रिपीट कर लीजिए, 3 से 4 बार, आप ऑटोमेटिकली इन चीजों में मास्टर बन जाओगे। हाँ बिल्कुल बेटा, सिलेंडर लाइफ ऑफ सिलेंडर ब्लॉक इंक्रीज। सिलेंडर ब्लॉक की यदि आपको लाइफ इंक्रीज करनी है तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे? लाइनर लगाने चाहिए बेटा। क्या बदल देते हैं अपन? लाइनर बदल देते हैं। लाइनर भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक ड्राई होता है और एक वेट होता है। दो तरह के लाइनर होते हैं। सर पेड़ समाप्त कर दिए, सर अब पेड़ समाप्त कर दिए, मैं समझा नहीं बेटा। हाँ नंदन कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सर कोर्स में डिटेल से है। कोर्स में बेटा जहाँ पे अपना मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर पूरा का पूरा जो कोर्स है ना उसको मैंने डिटेल से समझा रखा है। ओके बेटा प्रदीप जी, चलो। हाँ जी नेक्स्ट। ओके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्व इज सपोर्ट एंड एन क्लोज फॉर मूविंग पार्ट। क्वेश्चन है, चलायाम पुर्जों को सहारा देने के लिए जो भाग बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बेटा इंजन के अंदर। हाँ बेटा सुशील कुमार जी एनिमेशन भी देंगे, बिल्कुल चिंतित ना हो। नंदन कुमार जी, सर कोर्स में डिटेल से है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ बेटा पेड़ में चलता था, अब हमने फ्री में भी किया है ना। आप लोगों के लिए प्यार प्रेम है ये हमारा, आप लोगों के लिए प्यार प्रेम है ये हमारा। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा। नीरज सर आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज के बारे में पता चले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे थ्योरी का फायदा उठा सकें। क्योंकि हम देखते हैं पिछली बार रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना बेटा वो फेल हुए थे ट्रेड के अंदर। क्यों फेल होना यार, जब हम बैठे हैं, हम हैं तो क्या गम है। लव यू सर जी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ईस्ट चंपारण, लव यू।
चलो बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल। तो चलायम पुर्जों को सहारा देने के लिए जो इस पोजीशन होती है उसे क्या नाम देते हैं? सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। इंजन के अंदर वह कौन सा पार्ट्स है जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स रहते हैं बेटा? तो ऊपर वाला भाग तो बेटा हेड है, जिसमें आप लोगों के पोर्ट वाल लगे होते हैं, और स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर। ये जो पिस्टन चलायम पुर्जा एक ही होता है बेटा, आप लोगों का मूविंग पार्ट्स एक ही है। इस मूविंग पार्ट्स का नाम क्या है बेटा? पिस्टन है। और इस मूविंग पार्ट्स कहीं ये भाग ना जाए इधर उधर, ये कहीं हमें छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए हमने इसको सपोर्ट देने के लिए एक ब्लॉक बना दिया, जिसका नाम क्या है बेटा? सिलेंडर ब्लॉक है। अब देखते हैं हमें कैसे छोड़ के जाता है। महबूबा बड़ी बेवफा होती है, कब छोड़कर चली जाए पता नहीं होता। हमने इसको ऐसा जकड़ लिया, अभी हमें छोड़कर तो दिखा दे, है ना? लव यू बेटा। चलो आगे देखते हैं, एल्युमिनियम के बने जो सिलेंडर ब्लॉक होते हैं उसमें जो लाइनर होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा? आरआरबी एलपी मैकेनिक 8 फरवरी 2019 को क्वेश्चन आया है कि आप लोगों का जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसमें हम लाइनर लगाते हैं ऊपर की तरफ, ये लाइनर किसके बनाए जाते हैं? तो आप इस बात को तो अच्छे से समझ लीजिए कि लाइनर किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? कास्ट आयरन के बने होते हैं। किंग कुशावा टर्नर ट्रेड, बिल्कुल किंग जी, टर्नर ट्रेड भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आएंगे, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, ठीक है? नीरज कुमार जी, बिल्कुल बेटा कास्ट आयरन एकदम सही है। विवेक, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आईसी इंजन के सिलेंडर भाग में जो होता है वो तीन भाग पाए जाते हैं बेटा। द सिलेंडर पार्ट ऑफ एन आईसी इंजन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, उन थ्री पार्ट का नाम बता दीजिए। 23 जनवरी 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात मुझे जल्दी से बताओ, इन क्वेश्चनों को देखकर मेरी थ्योरी को पढ़कर आप लोगों को ये चीज महसूस हुई या नहीं हुई कि ट्रेड आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते? मुझे जल्दी से एक बार कमेंट में आकर बताइए कि आप ये बात कंफर्म कह सकते हो या नहीं कह सकते कि सर अब तो ट्रेड में बेड़ा पार है, दुनिया की कोई ताकत अब हमें रोक नहीं सकती। क्या ये कॉन्फिडेंस दिल में आने लगा है या नहीं आने लगा? इतना सा बता दो बेटा, जल्दी से बता दो भाई। हाँ बिल्कुल बेटा, टर्नर ट्रेड भी लेकर आएंगे। हमारे तेज किशोर ने तो लिख कर दिया है, हेड ब्लॉक और केस, हेड ब्लॉक और केस। बिल्कुल बेटा, हेड ब्लॉक और केस। अरे आंसर बताओ, एबीसीडी, एबीसीडी, हेड ब्लॉक केस, हेड ब्लॉक केस। ऊपर वाला भाग क्या है? हेड। बीच वाला क्या है? ब्लॉक। और नीचे वाला क्या है? केस। हाँ या ना? ये वाला भाग क्या है बेटा? हेड। ये वाला भाग क्या है? ब्लॉक। और ये वाला भाग क्या है बेटा? केस है। तीन भाग है तुम्हारे। हाँ सन्नी कुमार, अब ट्रेड नॉर्मल है, हम लोग डिप्लोमा वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आईटीआई से लेकर बीटेक वाला हो, मैं खड़ा हूं ना साथ में, क्यों टेंशन लेते हो? बिल्कुल, हम है संग तो क्या है गम। बिल्कुल तेज किशोर, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। सिलेंडर हेड जो होता है उसके शीर्ष पर एक कास्टिंग बोल्ट होता है। मैंने कहा सिलेंडर हेड इज ए कास्टिंग बोल्ट ऑफ द टो, बेटा किस पर जुड़ा होता है? अधीनस्थ बोर्ड में क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है सिलेंडर हेड जो है वो किस पर कास्टिंग हुआ है या किस पर लगा होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो और ये बताना है कि सिलेंडर हेड, ये आपका हेड है, ये किस पर कास्टिंग किया हुआ है, हेड को किस पर लगाया जाता है, हेड को किस पर कास्टिंग कर दिया भाई, ये बता दो। हेड को किस पर लगा दिया तुम लोगों ने? जल्दी से जवाब दे दो। अधीनस्थ बोर्ड आईटीआई इंस्ट्रक्टर 23 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन है बेटा। बिल्कुल आरएसी की भी क्लास चलाएंगे इंजीनियर साहब जी। हाँ जी जल्दी कीजिए, हेड हेड हेड। अरे भाई सिलेंडर हेड इज कास्टिंग ऑन बोल्ट ऑफ टॉप ऑफ द, किसके टॉप पर लगाते हैं हेड को? ब्लॉक। बिल्कुल राजू सिंह एकदम करेक्ट बेटा, तेज किशोर एकदम।
एम के मोरिये सर बहुत अच्छा लग रहा है अब पढ़ने में, मैं कह रहा हूँ बेटा मजा आ जाएगा। प्रिय राज याद नहीं हो रहा है सर, प्रिया जी याद भी होगा समझ में भी आएगा, बस आप रेगुलर क्लास लो बेटा, क्योंकि देखो कुछ सेशन बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण कई बार दिमाग काम नहीं करता, फ्रिज में से ठंडा पानी निकालो थोड़ा आँखों पर डालो फिर बैठो। मैं कहता हूँ कैसे आपको समझ में नहीं आता, कैसे याद नहीं आता। सर जी बेसिक कहाँ से सीखे, मैं बेसिक कहां से सीखा, चलो जी यहां पर क्या आएगा तुम्हारा ब्लॉक आएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन, ये इंजन की शक्ल देख के बता दो कि ये कौन सा इंजन है, जल्दी से देखो और जल्दी से बताओ बेटा ये कौन सा आप लोगों का इंजन है, इसकी शक्ल को देखकर इसकी कुंडली बतानी है, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतनी सी जिंदगी है, चार दिन की जिंदगी आज चौथा दिन है, ये चीज सोचकर चलो बेटा जिंदगी बहुत लंबी गुजर जाएगी, मैंने तो मेरी जिंदगी के 30 साल निकाल दिए इस बात को सोच सोचकर। ये कौन सा इंजन है, वी टाइप, वी टाइप, वी टाइप, वी टाइप, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट नीरज, बिल्कुल शुभम, बिल्कुल बेटा एकदम करेक्ट आंसर है आपका, जल्दी दीजिए जवाब, वी टाइप। चलो ठीक है बेटा वी टाइप, ओके चलो आगे। अगला है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन, ये कौन से प्रकार का आप लोगों का इंजन है, ये कौन से प्रकार का इंजन है, इस इंजन को देखकर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, निकाल दो इसकी जन्म कुंडली इस इंजन की कि ये कौन सा आप लोगों का इंजन है, ये कौन सा आप लोगों का इंजन है, इसको देखकर इसकी जन्म कुंडली बता दीजिए, ये कौन सा इंजन है बेटा, ये आप लोगों का इंजन है अपोजिट इंजन, कौन सा इंजन है अपोजिट इंजन, हाँ बिल्कुल राजू सिंह जी एकदम अपोजिट इंजन, अपोजिट इंजन, अपोजिट इंजन, जल्दी दीजिए बेटा जवाब। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डायग्राम से संबंधित भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बार बच्चे क्या करता है इसकी प्रैक्टिस नहीं करता और थ्योरी में ये नहीं समझ में आता, बच्चा कंप्लीट थ्योरी तो पढ़ लेता है और उसे ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सा इंजन है, कैसा है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और पूरा पढ़ने के बाद जब एग्जाम देने जाता है ना तो उसे बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है, बस उसी चीज के सॉल्यूशन के लिए रात दिन मेहनत करके हम आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आए हैं बेटा। सर यू आर कोर ऑफ हार्ट, बिल्कुल सी सी, बिल्कुल एकदम सही है यार, ये कौन सा इंजन है, ये आप लोगों का रेडियल इंजन है बेटा, अपोजिट नहीं है, कौन सा है रेडियल इंजन। अगला टॉपिक पर चलते हैं बेटा, अब बात आती है हमारी पिस्टन पर, कहां पर आती है पिस्टन पर, पहले नंबर पर मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, सिलेंडर बताया और सिलेंडर को डिवाइड किया, सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो सिलेंडर था आप लोगों का वो सिलेंडर था मेरे प्यारे बच्चों, पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया सिलेंडर बताया, और सिलेंडर में मैंने आपको बताया हेड, हेड के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में क्या बताया क्रैंक केस। अब सिलेंडर से थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अब अगला आता है आप लोगों का पिस्टन, क्या आता है बेटा पिस्टन आता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर एक डिवाइस लगी रहती है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हेड, और नीचे वाले बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर एक डिवाइस को लगाया जाता है, इस डिवाइस को क्या नाम देते हैं पिस्टन नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं पिस्टन। तो इस पिस्टन के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पिस्टन की हम चर्चा करेंगे, पिस्टन इंजन का महत्वपूर्ण भाग है जो फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को कंप्रेशन की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्लियर बेटा। तो मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही यहां पर कि यह हमारा एक पार्ट है, इस पार्ट को क्या नाम दे दिया, इस पार्ट को यहां से नीचे वाला भाग, ये तो हमारा हेड हो गया, और ये वाला जो पार्ट है इसे मैंने नाम दे दिया जी ये है हमारा ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है और इससे नीचे जो बना हुआ है ये हमारा है क्रैंक केस। मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे ही एयर और फ्यूल के मिश्रण को जलाया जाता है,
इंजन ले रहा हूं मैं पेट्रोल इंजन, मेरी बात को समझ लेना, इंजन ले रहा हूं मैं पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल के मिश्रण को जैसे ही जलाया जाता है हीट डेवलप होती है बेटा, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण पिस्टन जो है वो क्या करता है, मोशन करता है नीचे की तरफ। हुआ क्या था, कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात है कि फ्यूल को हमने जलाया, फ्यूल को जलाने से कौन सी एनर्जी जली, केमिकल एनर्जी। तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी से इस पर लगता है आप लोगों का प्रेशर, फ्यूल की केमिकल एनर्जी से पिस्टन पर कौन सी एनर्जी डेवलप हुई, प्रेशर लगा बेटा, और उस प्रेशर के कारण पिस्टन मोशन करने लग गया। मोशन कैसे किया, पिस्टन ने मोशन किया रेसिप्रोकेटिंग, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करो चाहे रोटरी मोशन करो, बस मोशन कर लेने चाहिए, हमें तो एक एनर्जी मिल जाती है जिस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है बेटा, ये काम करता है कौन, पिस्टन। कौन करता है, पिस्टन करता है। तो पिस्टन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कंप्रेशन के द्वारा, एयर और फ्यूल का मिश्रण जलेगा, कंप्रेस हुआ एयर फ्यूल का मिश्रण जलेगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा, तो उस कंप्रेशन के कारण पिस्टन नीचे मोशन करता है और एक एनर्जी डेवलप करता है जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो पिस्टन जो है वो केमिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में। पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर और नीचे मोशन करता है, पिस्टन मोशन करता है अप एंड डाउन, पिस्टन मोशन कैसे करता है, अप एंड डाउन करता है, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग थर्ड स्ट्रोक फ्लाईव्हील यूज्ड टू एब्जॉर्ब एनर्जी, बिल्कुल बेटा, इंजन में चार स्ट्रोक होते हैं, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, चार स्ट्रोकों में से एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, तो एक स्ट्रोक की पावर से चारों स्ट्रोकों को दोबारा चलाना है बेटा, खाली तीन स्ट्रोकों को चलाना है, उसी एनर्जी को एब्जर्व कर लिया जाता है फ्लाईव्हील में। ये सारी बातें अभी मैं लेके आ तो रहा हूं यार, इतना आगे क्यों भाग रहे हो, पढ़ाऊंगा भाई बिल्कुल पढ़ाऊंगा। फीटर बेटा अगले संडे को फीटर का भी लगाएंगे, चिंता मत करो। मैंने कहा पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मोशन करता है, मूव अप डाउन इनसाइड द सिलेंडर, इसकी परिधि पर पिस्टन रिंग लगी रहती है बेटा। ये जो आप लोगों का सिलेंडर पिस्टन होता है, पिस्टन की जो सर्कमफेरेंस या परिधि होती है, इस पर क्या लगी रहती है, रिंग लगी रहती है। ये आप लोगों का मैंने बना दिया एक पिस्टन, इस पिस्टन में रिंग लगी है, ऊपर जो रिंग लगी होती है इस रिंग को नाम देते हैं बेटा कंप्रेशन रिंग। ध्यान से देखो भाई, मैंने कहा कि ये आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट्स दिखाया गया है इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन। पिस्टन पर रिंग लगी रहती है, तो इस पिस्टन में एक रिंग तो आपकी लगी हुई है बेटा ऊपर, कौन सी, कंप्रेशन रिंग। कौन सी है, कंप्रेशन रिंग। फिर उसके बाद में नीचे कौन सी रिंग लगी रहती है, ऑयल रिंग लगी रहती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, इंजन जो होता है उसमें कंप्रेशन रिंग कितनी लगी रहती है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान से सुन लेना, गलती मत करना कि भैया कंप्रेशन रिंग तो कितनी होती है, दो होती है। कंप्रेशन रिंग किस लिए लगाई जाती है कि भैया जो आप लोगों के ऊपर सिलेंडर में, ये जो ऊपर आप लोग एयर और फ्यूल के मिश्रण को जला रहे हो ना, इसके हाई प्रेशर के कारण जो एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, वो नीचे ना चली जाए, कहीं हमारे ऑयल सम्प को ही जलाकर राख कर दे। इसको जलने से बचाने के लिए यहां पर एक रिंग लगाई जिसका नाम क्या है बेटा, कंप्रेशन रिंग है। आप लोगों का जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में नीचे जो क्रैंक केस होता है, इसमें एयर और सॉरी इसमें भरा जाता है ऑयल। अगर गलती से हमने कंप्रेशन रिंग नहीं लगाई तो हाई प्रेशर के कारण जो आप इसे कंप्रेस कर रहे हो ना, तो वो आपका नीचे चला जाएगा और पूरे के पूरे इंजन में क्या लगा देगा, आग लगा देगा। तो कंप्रेशन रिंग तो लगी होती है दो, क्यों लगी होती है, प्रेशर को रोकने के लिए, प्रेशर को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। और बेटा ऑयल रिंग कितनी लगी होती है, एक लगी होती है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग किस लिए लगी होती है, नीचे के ऑयल को ऊपर जाने से बचाने के लिए। तो बर्न गैसेज का जो प्रेशर है, बर्न गैसेज को नीचे आने से रोकने के लिए कंप्रेशन रिंग, और ऑयल रिंग नीचे के ऑयल को ऊपर जाने से बचाने के लिए रोकती है, ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी बात ध्यान से सुन लेना, कौन से इंजन की कह रहा हूं, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन की कह रहा हूं। टू स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें दो ही रिंग लगी होती है, और वो रिंग होती है आपकी ओनली कंप्रेशन रिंग, उसमें ऑयल रिंग नहीं लगाई जाती है,
ठीक है बेटा, ऑयल रिंग नहीं लगाई जाती है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके मुद्दे पर। मैंने कहा कि ये वाला जो पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे मोशन करता है, यानी इस मोशन को क्या नाम देते हैं, इस प्यार को नाम देते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। यहां पर इस तरह से जैसे जैसे ये मोशन करता है तो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का, इस वाले पार्ट को क्या नाम देते हैं, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, कनेक्टिंग रोड से क्रैंकशाफ्ट। बेटा जो कनेक्ट करती है इस रोड को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रोड, और इसे क्या बोलते हैं, क्रैंक। अब ये तो आपका मोशन कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कौन करता है, पिस्टन। और ये जो क्रैंक है ये कैसे कर रही है बेटा, क्रैंक तो आप लोगों की रोटरी मोशन करने लग गई, गोल गोल घूमने लग गई, तो ये मोशन हो गया कौन सा, रोटरी मोशन। इसको मैं पीले कलर से बना देता हूं भाई। तो क्रैंक जो है, क्रैंक कैसा मोशन करेगी, रोटरी, और पिस्टन कैसा करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। लो जी भाई, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कौन करता है, पिस्टन करता है, और क्रैंक शाफ्ट कैसा मोशन करेगी, ये तुम्हारी कैसा मोशन करेगी बेटा, ये करेगी। इसको तब्दील करने का काम, ये जो पिस्टन का जो मोशन होता है, पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसको कनेक्टिंग रोड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन में बदला जाता है। ये बात समझ लेना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है, एग्जामिनर पूरे मूड में रहता है इस क्वेश्चन के। मैंने क्या कहा कि भैया आप लोगों ने पिस्टन को घुमाया, पिस्टन ने कैसा मोशन किया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन किया। पिस्टन ने कैसा मोशन किया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन किया। इस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रोड जो है वो क्या करती है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। तो क्रैंक कैसा मोशन करेगी, रोटरी मोशन करेगी। ये बात समझ में आ गई क्या, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया क्या, पिस्टन कैसा मोशन करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, यानी अप डाउन मोशन करेगा, और क्रैंक कैसा मोशन करेगी, क्रैंक शाफ्ट कैसा मोशन करेगी, रोटरी मोशन करेगी, और इसके जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसे रोटरी मोशन में बदलने का काम कौन करती है, वर्क कौन करती है, ये हेल्प कौन करती है, ये मदद कौन करके देती है, इस मदद को कौन करती है, इसे करती है कनेक्टिंग रोड, कौन करती है, कनेक्टिंग रोड करती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जल्दी बताइए भैया। अब चलते हैं, इंजन की जो दक्षता है वो पिस्टन के कार्य पर निर्भर करती है, पिस्टन जितना ज्यादा काम करेगा वो आपकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा मिलेगी। आगे देखें, पिस्टन जो जनरली है वो कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के हैवी वाले, एल्युमिनियम अलॉय के हल्के वाले। यह सिलेंडर के अंदर गैस टाइट प्लग की तरह कार्य करता है, जो आपका पिस्टन होता है वो गैस टाइट प्लग की तरह कार्य करता है, जिससे अधिक दाब की गैस कंप्रेशन चैम्बर से क्रैंक केस में लीक नहीं होती है। बेटा इतना एयर टाइट रहता है कि आप लोगों का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये गलती से भी यहाँ की जो एयर है ना, ये आप लोगों के नीचे वाले इस पोर्शन में नहीं जा पाती, ये होता है आपका क्रैंक केस। तो किसी भी हाल में ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला ब्लॉक वाला भाग, तो ये ब्लॉक वाली जो गैस है उनको क्रैंक केस में नहीं जाने देता, इतना एयर टाइट प्लग की तरह कार्य करता है ये। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड अपॉन द वर्क ऑफ पिस्टन, पिस्टन जितनी तेज वर्क करेगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड एल्युमिनियम अलॉय, इट एक्ट एज द गैस टाइट प्लग इनसाइड द सिलेंडर दैट हाई प्रेशर गैस डज नॉट लीक फ्रॉम द क्रैंक केस टू द कंबस्टन चैम्बर। ये जो ब्लॉक है इसी में होता है, इसी को तो क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं बेटा, कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं, कंबस्टन
चैम्बर, तो कंबस्टन चैम्बर की गैसों को क्रैंक केस में जाने से रोकने का काम करता है। अगला है बेटा फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे ग्रहण करके क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे के लिए गाइड पिन बेयरिंग का कार्य करती है। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड छोटे सिरे से, लो जी भैया ये भी आप लोग सीख ही लीजिए, ये आप लोगों का कौन है पिस्टन है और पिस्टन में इस तरह से एक रोड जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आप लोगों का कौन है पिस्टन और पिस्टन से एक रोड जुड़ी हुई है जिसे बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का जो काम करता है, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जो जोड़ने का काम करती है उन पिनों को क्या बोलते हैं, पिस्टन पिन कहते हैं बेटा। इन्हीं पिन को गजन पिन भी कहा जाता है, पिस्टन पिन का ही दूसरा नाम क्या है, गजन पिन। ये स्मॉल एंड है बेटा, ये कौन सा एंड है, कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है और ये कनेक्टिंग रोड का बड़ा एंड है, बिग एंड कहते हैं इसको। ये कनेक्टिंग रोड का कौन सा एंड है, बिग एंड है। तो ये जो बिग एंड है ये बिग एंड किसके द्वारा जुड़ा है, क्रैंक के द्वारा, और क्रैंक के द्वारा जिस पिन से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं क्रैंक पिन, समझ गए बात को। पिस्टन के द्वारा कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड पिस्टन पिन या गजन पिन के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि क्रैंक का बिग एंड या सॉरी कनेक्टिंग रोड का बिग एंड क्रैंक के द्वारा क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है बेटा। चलो पिस्टन का क्लियरेंस, बेटा पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो ये गैप होता है, ये पिस्टन ये सिलेंडर, ये आप लोगों का सिलेंडर है ये, इस ये वाला, तो ये वाला जो गैप होता है ये बहुत कम होता है, 0.025 mm से लेकर 0.10 mm तक इतना गैप रखा जाता है, ठीक है, जो कि एयरटाइट प्लग की तरह आपका क्या करता है, वर्क करता है। ये आप लोगों को दिखाया भी गया है, सिलेंडर का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, हेड, ये वाला भाग क्या कहलाता है, कंप्रेशन रिंग, कितनी लगी होती है, दो लगी होती है, ऑयल रिंग कितनी होती है, एक। ये आप लोगों की कौन से पिन है, पिस्टन पिन, ये पिस्टन का स्कर्ट है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये पिस्टन की बेयरिंग है और ये कनेक्टिंग रोड का बोल्ट है जिससे आप लोग कौन सी शाफ्ट को लगाते हो, क्रैंक शाफ्ट को जोड़ते हो, ठीक है बेटा। ये सारा का सारा मैकेनिज्म आपको मैं बता चुका हूं। और टू स्ट्रोक इंजन में कंप्रेशन रिंग ही होती है, ऑयल रिंग नहीं होती, यानी ऑयल कंप्रेशन ऑयल रिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि नीचे ऑलरेडी पेट्रोल और फ्यूल, जो फ्यूल होता है बेटा, पेट्रोल बोल दीजिए और ऑयल बोल दीजिए, वो ऑलरेडी मिक्स करके ही इंजन के टैंक में डाले जाते हैं, अलग से नीचे ऑयल टैंक नहीं होता, ऑयल टैंक नहीं है तो ऑयल रिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। अगला आता है आपका पिस्टन रिंग, पहले नंबर पे आपने क्या पढ़ा, सिलेंडर, सिलेंडर के बाद आपने क्या पढ़ा, पिस्टन, पिस्टन को जोड़ने के लिए जिस रिंग को पढ़ा जाता है उस रिंग को क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग कहते हैं। पिस्टन रिंग क्या होती है बेटा, पिस्टन की परिधि पर खांचे में रिंग लगी रहती है जिन्हें पिस्टन रिंग कहते हैं। पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती है, कंप्रेशन रिंग गैसों के दाब को सील करता है, और ऑयल रिंग जो होता है वो लुब्रिकेशन ऑयल को ऊपर जाने से रोकता है। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ पिस्टन देयर इज रिंग इनटू ग्रूव व्हिच आर कॉल्ड पिस्टन रिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ पिस्टन रिंग, एक होती है कंप्रेशन रिंग जो सील्ड करती है गैसेज के प्रेशर को, एक होती है ऑयल रिंग जो प्रिवेंट करती है लुब्रिकेशन ऑयल को पिस्टन में जाने के लिए, क्लियर है। जैसे ये आप लोगों को यहां पर दिखाई हुई है, ये आप लोगों के सामने एक छोटा सा पिस्टन बनाया है बेटा, और इस पिस्टन को यहां से इस तरह से डिजाइन कर दिया या तैयार कर दिया है, ठीक है बेटा। यहां पर ये वाली जो रिंग लगी हुई है ऊपर वाली पहले नंबर की, इस रिंग को क्या नाम दूं, तो इस रिंग का नाम है बेटा ऑयल रिंग, कंप्रेशन रिंग। इसी के बाद में एक रिंग और लगी हुई है ब्लू कलर की, इस रिंग का नाम क्या है बेटा, इस रिंग का नाम है कंप्रेशन रिंग। और एक रिंग नीचे लगी हुई होती है, इस रिंग को क्या बोलते हैं, रेड कलर वाली को ऑयल रिंग। तो हमारी बात आप लोगों को यदि समझ में आ गई हो तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, तो रेड कलर की जो रिंग है इस रिंग को मैंने ऑयल रिंग नाम दिया, और मैंने आपसे कहा बेटा ऑयल रिंग कितनी होती है, ऑयल रिंग मात्र एक होती है बेटा, कितनी होती है ऑयल रिंग, एक होती है, लेकिन
टू स्ट्रोक इंजन में तो एक भी नहीं होती, क्योंकि उसमें नीचे ऑयल होता ही नहीं है, ऑयल टैंक होता ही नहीं है अलग से, और ऑयल टैंक नहीं होता तो ऑयल रिंग की जरूरत भी नहीं होती। और यहाँ पर बेटा इस तरह से मैंने एक रिंग बनाई, इस रिंग को नाम दिया कंप्रेशन रिंग। तो भैया कंप्रेशन रिंग कितनी होती है? दो होती है। ऑयल रिंग कितनी होती है? एक होती है। क्या ये बात आप लोग समझ गए हो क्या? ठीक है बेटा, एक रिंग को बोलते हैं टॉप रिंग, एक को बोलते हैं सेकेंड रिंग। एक रिंग को बोलते हैं टॉप रिंग, एक को बोलते हैं सेकेंड रिंग। और यहां पर बेटा कौन सी रिंग लगी हुई है? ऑयल रिंग। ऑयल रिंग कहां लगी होती है? नीचे। कंप्रेशन रिंग कहां लगी होती है? ऊपर। कंप्रेशन रिंग किस लिए लगी होती है? बर्न गैसेज को सिलेंडर में आने से रोकने के लिए। और ऑयल रिंग किस लिए लगी होती है? नीचे के ऑयल को ऊपर जाने से रोकने के लिए। क्लियर है बेटा? पिस्टन रिंग कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। आयताकार सेक्शन की चूड़ी की तरह गोल होती है। और ऑयल रिंग में होल दिए जाते हैं जिससे लुब्रिकेशन ऑयल निकलता रहता है। क्या दिए जाते हैं बेटा? होल। द पिस्टन रिंग इज द रिंग शेप्ड कास्ट आयरन रिंग ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। देयर आर होल्ड इन द ऑयल रिंग थ्रू विच इज द लुब्रिकेशन ऑयल कम आउट। जिससे लुब्रिकेशन क्या ऑयल क्या होता है? आता है। अब ये बेटा जो आपके पिस्टन रिंग है, इस पिस्टन रिंग का कुछ ना कुछ वर्क तो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो काम होगा। ऐसे तो इसको लगाया नहीं है ना भाई, कोई भी पागल थोड़ी है कि भाई ऑयल रिंग लगा दिया जाए। ठीक है, चलो। तो ये क्या होती है बेटा? ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में प्रेशर सील बनाए रखती है, जिससे कंबस्टन चैम्बर में हाई प्रेशर की गैस क्रैंक केस में लीक ना हो। यानी ऊपर वाली जो कंबस्टन चैम्बर में जो आप लोगों की गैस है, वो गलती से नीचे वाले क्रैंक केस में ना चली जाए। इसलिए तो कौन सी क्या लगाते हैं बेटा? हम रिंग लगाते हैं। दूसरा पर्पज होता है, सिलेंडर हेड से सिलेंडर की दीवारों में ऊष्मा बहने के लिए रास्ता बनाने देता है। ठीक है बेटा। अगला होता है लुब्रिकेशन ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करती है। कहीं अगर हमने ऑयल रिंग नहीं लगाई तो नीचे जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऊपर बोले तो किसमें? कंबस्टन चैंबर में। क्लियर है बेटा? बलराम कह रहा है टू स्ट्रोक इंजन में ऑयल रिंग नहीं होती है, समझ में नहीं आया। चलो जी समझा देते हैं। 69 बलराम जी अभी समझा देते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। अब भाई बलराम को समझ में नहीं आया तो फिर तो और भी बच्चे हो सकते हैं जिनको समझ में नहीं आया है। बलराम हिम्मत करके बोल रहा है। देखो भाई बलराम, देखिए बेटा एक बार होता क्या है कि आप लोगों का जो टू स्ट्रोक इंजन होता है, इस टू स्ट्रोक इंजन का डायग्राम इस तरह का रहता है बेटा। इसमें इनलेट और आउटलेट वाल ऊपर होते हैं, वो नहीं दिए जाते। वाल के स्थान पर क्या होते हैं बेटा? पोर्ट होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, जो कि बर्न गैसेज को सिलेंडर से बाहर निकालता है, और एक होता है इनलेट पोर्ट, जिससे एयर और फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर आता है। और ये इंजन कौन सा है आपका? पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन में एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि पेट्रोल इंजन में जो इनलेट वाल के द्वारा आता है, वो आता है बेटा एयर और फ्यूल। क्या आता है? एयर और फ्यूल आता है। अब जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो टू स्ट्रोक इंजन जो होता है, उस टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है बेटा? पेट्रोल के साथ में मिलाते हैं ऑयल। क्या मिलाते हैं? ऑयल मिलाते हैं। टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उनमें पेट्रोल के साथ ऑयल मिलाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा, याद करो, अगर आपने कभी ऐसा मैकेनिज्म कभी देखा हो या कभी पेट्रोल पंप पे गए हो, तो जो अपनी मोपेड होती है, स्कूटर होते हैं, तो स्कूटर में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब वो लोग टंकी में ऑयल यानी तेल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो पेट्रोल डलवाने के बाद एक थैली फाड़कर ऑयल की ओर डाली जाती है बेटा। पेट्रोल डलवा लिया 100 रुपए का, और एक थैली फाड़कर किसके डालते हैं? एक पाउच फाड़ते हैं और वो पाउच डालते हैं बेटा टंकी के अंदर। पहले मुझे बताओ ऐसा आपने देखा है क्या? पहले मुझे बताओ ऐसा आपने देखा है क्या? ऐसा आपने देखा है क्या? जल्दी बताओ यार। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? पेट्रोल डाला 100 रुपए का, 10 रुपए का एक ऑयल का पाउच फाड़ के डाला जाता है। यानी ये जो टंकी होती है ना, फ्यूल टैंक होता है,
हाँ, वाह रे वाह कृष्णा। चलो तो बेटा क्या होता है, जो टैंक होता है ना। हाँ बिल्कुल बलराम जी, अब देखो बेटा, तो पेट्रोल के साथ ही हमने ऑयल को डाल दिया, तो ये जो इंजन होते हैं, इन इंजनों के अंदर टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, अलग से बेटा ऑयल का टैंक होता ही नहीं है। अब ऑयल का टैंक नहीं होता तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, ऑयल रिंग की जरूरत है क्या भाई? ऑयल के लिए इंजन में टंकी नहीं होती, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जो होता है, हाँ बेटा इन्हें टूटी ऑयल भी बोलते हैं, समझाएंगे अभी आप लोगों का, आएगा टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। तो मैंने कहा पेट्रोल के साथ ऑयल डालते हैं क्योंकि इनमें अलग से ऑयल टैंक होता ही नहीं है, लेकिन हमारे जो मोटरसाइकिल है ये होते हैं बेटा फोर स्ट्रोक इंजन। मोटरसाइकिल में आप लोगों ने जब भी कभी सर्विस करवाई हो तो सर्विस करवाते समय आपने देखा होगा कि एक ऑयल चैम्बर रहता है बेटा इंजन के जस्ट नीचे। तो मिस्त्री क्या करता है, उस ऑयल चैम्बर में नीचे से स्क्रू को खोलता है और पूरे ऑयल को बाहर निकालता है और उसको साफ करके क्या करता है बेटा, दोबारा नया ऑयल डाल देता है। तो जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं, उन फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर ऑयल चैम्बर अलग से प्रोवाइड किया जाता है इंजन के निचले वाले भाग में, जिसकी समय समय पर सर्विस करवाई जाती है। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं, उन टू स्ट्रोक इंजनों के अंदर ऑफिशियल अमितराज नहीं डालते हैं सर। ओके बेटा, नहीं डालते होंगे आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ तो डालते हैं। तो टू टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उनमें इस तरह का कोई टैंक का प्रोविजन नहीं होता, टंकी नहीं होती, और टंकी नहीं होती यानी ऑयल डालने की प्रोसेस नहीं होती, ऑयल ही नहीं डलेगा तो ऑयल रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन मोटरसाइकिल हमारी फोर स्ट्रोक इंजन में है तो इसमें ऑयल चैम्बर है, इसलिए ऑयल को ऊपर जाने से रोकने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ऑयल रिंग लगाते हैं। क्लियर है? ऑयल को ऊपर जाने से बचाने के लिए कौन सी रिंग लगाते हैं, ऑयल रिंग लगाते हैं। और टू स्ट्रोक इंजन में ऑयल टैंक ही नहीं होता, इसलिए ऑयल रिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? ठीक है बेटा, फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन ए प्रेशर सील बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर सो दैट हाई प्रेशर गैस फ्रॉम द कंबस्टन चैम्बर डज नॉट लीक आउट ऑफ क्रैंक केस, अलाउ पैसेज द हीट फ्रॉम द पिस्टन हेड ऑफ सिलेंडर वाल, कंट्रोल द फ्लो ऑफ लुब्रिकेशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम द एंटरिंग कंबस्टन चैम्बर। ठीक है बेटा, ये बाइलैंगुअल था इसका। अब एक बार बताइए जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? अगला जो पोर्शन है, अगला जो पार्ट है, उसका नाम है बेटा कनेक्टिंग रोड। पहले नंबर पे मैंने शुरुआत किया था आप लोगों का किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। पहला हमने पढ़ा सिलेंडर, सिलेंडर के पढ़े तीन भाग, पहला भाग था हेड, दूसरा भाग था ब्लॉक और तीसरा भाग था क्रैंक केस। क्लास को आगे बढ़ाई, सिलेंडर के अंदर ब्लॉक भाग के अंदर एक पार्ट मोशन करता है जिसे नाम देते हैं पिस्टन। पिस्टन के बाद में हम आगे चले, एक पोर्शन आ रहा है अब हमारा जिसका नाम था पिस्टन रोड, या सॉरी पिस्टन रिंग, जो पिस्टन को स्मॉल एंड से कनेक्ट करती है। और चौथे नंबर पे है बेटा कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड ये वाला पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन आप लोगों का है इसको क्या नाम देते हैं, कनेक्टिंग रोड कहते हैं बेटा। इस पार्ट्स को क्या नाम देते हैं, कनेक्टिंग रोड कहते हैं। ये आपका कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है इसको पिस्टन पिन या गजन पिन या रिस्ट पिन के द्वारा जोड़ा जाता है, और ये जो बिग एंड होता है, बड़ा सिरा होता है, इसे जोड़ा जाता है क्रैंक पिन के द्वारा। ये बात आप लोग समझ लीजिए, और मेरे हिसाब से बात आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके। चलो, कनेक्टिंग रोड आई सेक्शन की बनी होती है और जिसे फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना, ये मटेरियल काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कनेक्टिंग रोड किस सेक्शन की बनी होती है और किसकी बनाई जाती है बेटा। कनेक्टिंग रोड का छोटा होल बेरिंग के साथ, बड़ा होल फ्लैट बेरिंग के साथ, यानी कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है उसे बॉल बेरिंग से जोड़ते हैं,
और जो बिग एंड होता है उसे फ्लैट बैरिंग से जोड़ते हैं। स्मॉल होल को जो है वो तो हम किससे जोड़ते हैं बेटा, राउंड या बॉल बैरिंग से, और जो बड़ा हिस्सा होता है उसे किससे जोड़ते हैं, फ्लैट बैरिंग से जोड़ते हैं। आगे चलें, कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा सॉलिड आई की तरह होता है और उसमें फास्फोरस ब्रॉन्ज के क्या लगे होते हैं, बुश लगे होते हैं। मैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उनको हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है बेटा। द शॉर्ट एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड सेपरल आई के सॉलिड आई सेक्शन के होते हैं बेटा, एंड फिटेड विद द फास्फोरस ब्रॉन्ज बुश। फास्फोरस ब्रॉन्ज के क्या लगाए जाते हैं, बुश लगाए जाते हैं। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है, वो तो आपको ऑलरेडी पता भी है बेटा, ये तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि कनेक्टिंग रोड जो है इसका नाम ही कनेक्टिंग रोड है बेटा। यहां पर हमारी एक शाफ्ट होती है या वो होती है बेटा, ये तो है तुम्हारा कनेक्टिंग रोड। तो ये जो कनेक्टिंग रोड है इसका मेन पर्पज क्या है, कनेक्टिंग रोड कनेक्ट करती है किसको, पिस्टन को, और ये दूसरा हिस्सा किसका है बेटा, क्रैंक। तो क्रैंक और इसको जोड़ने का काम करती है। यहां पर एक पिन लगी होती है क्रैंक पिन, इसे बोलते हैं गजन पिन या पिस्टन पिन, और इस हिस्से को नाम देते हैं बेटा क्या, कनेक्टिंग रोड। तो कनेक्टिंग रोड पिस्टन को जोड़ती है किससे, क्रैंक से जोड़ती है बेटा। स्मॉल एंड को पिस्टन पिन, गजन पिन या रिस्ट पिन के द्वारा, और इसे क्रैंक पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। बलराम बिल्कुल बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, पीडीएफ नीचे ही डाल देंगे क्लास कंप्लीट होते ही। इसका छोटा सिरा पिस्टन से जुड़ता है और बड़ा सिरा जो होता है वो क्रैंक पिन से जुड़ता है। छोटा वाला जो सिरा है वो किससे जुड़ा रहता है बेटा, पिस्टन से जुड़ा होता है, और बड़ा सिरा किससे जुड़ा होता है, क्रैंक से जुड़ा होता है। मैंने यहां पर इसको बनाया भी इसी तरह से है बेटा, इस वाले हिस्से को छोटा बनाया है और इस वाले हिस्से को क्या बनाया है, बड़ा बनाया है। इसको किससे जोड़ते हैं, पिस्टन से, और इस हिस्से को किससे जोड़ते हैं बेटा, क्रैंक से जोड़ते हैं, क्रैंक शाफ्ट से जोड़ते हैं। इसे जिससे जोड़ते हैं वो पिस्टन पिन है, इसे क्रैंक पिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अगली जो टॉप वो है इसका पार्ट देखिए, यह पिस्टन के रेखीय मोशन को क्रैंकशाफ्ट की वृत्तीय गति में बदलता है। यह बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, है ना। नीरज कुमार सर फर्स्ट यूट्यूब पर इतना अच्छे से किसी ने पढ़ाया है, चलो बेटा बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट सुन के, क्योंकि आपका प्यार प्रेम ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। यह पिस्टन का रेखीय मोशन बेटा, देखो आप लोगों का जो पिस्टन है ये रेखीय मोशन करता है, इस मोशन को रेखीय मोशन बोल दीजिए, है ना, लीनियर भी बोल सकते हैं और इसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी बोल सकते हैं बेटा। लीनियर मोशन देखो, इसे भी लीनियर ही कहते हैं और इसे भी लीनियर ही कहते हैं, लेकिन इसे एक स्टैंडर्ड टेक्निकल की भाषा में बोलें तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो आप लोगों का जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इस मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का जो काम करती है वो कौन करती है बेटा, ये करती है आपकी कौन, कनेक्टिंग रोड। तो ये रोटरी मोशन कौन करेगी, क्रैंक करेगी बेटा, है ना। तो यही बात लिखी हुई है, लीनियर मोशन ऑफ पिस्टन, सर्कुलर मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट कौन करेगी, कनेक्टिंग रोड करेगी। कनेक्टिंग रोड मजबूत तो सुदृढ़ होना चाहिए ताकि मुड़ ना सके, हल्की भी होनी चाहिए ताकि रेसिंग प्रोकेटिंग मोशन करते समय कंपन पैदा ना हो। कई बार क्या होता है बेटा कि आप लोग कनेक्टिंग रोड को थोड़ा भारी बना देते हो, और कनेक्टिंग रोड यदि भारी बन गई तो जब ये ऊपर नीचे मोशन करती है तो वाइब्रेशन करने लग जाती है, क्या करने लग जाती है बेटा, वाइब्रेशन करने लग जाती है। इसलिए थोड़ा हल्का भी होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, पता चला आगे गई कनेक्टिंग रोड ही मुड़ गई, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इट इज कन्वर्ट लीनियर मोशन ऑफ पिस्टन इनटू सर्कुलर मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। द कनेक्टिंग रोड शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, नॉट बी बेंड, एंड शुड आल्सो लाइट इनफ, डू नॉट क्रिएट वाइब्रेशन ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। आगे चलते हैं, कनेक्टिंग रोड में ऑयल होल बने होते हैं बेटा, जिनमें अपन लुब्रिकेशन ऑयल को डालते हैं। छोटा सिरा जो है वो पिस्टन के साथ ऊपर नीचे मोशन करता है, जैसे हमारा ये वाला पिस्टन है, है ना। इसमें तो बेटा ये जो डायग्राम है ना, ये आपके सामने इतनी बार आएगा कि आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में ना, छोड़ो बेटा ऐसी बैठ जाएगी दिमाग में कि आप कहोगे यार क्या बात है, हम तो इसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम मुझे बुला पाओगे ना इस थ्योरी को बुला पाओगे, ये वादा है बेटा मेरा, क्योंकि जो जिस जिसको मैंने पढ़ाया है वो आज या तो कोई टीचर है या फिर कोई नौकरी कर रहा है बेटा अच्छे लेवल की। तो देखिएगा,
तो ये हमारा ये पोर्शन है आप लोगों के, ये हमने कहा कि इस हिस्से को क्या नाम दें या इस प्यार को क्या नाम दें, बस इतना सा ख्वाब है, इतनी सी जिंदगी है, चार दिन की जिंदगी, आज चौथा दिन है। तो हमने कहा भाई ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन आप लोगों का बना हुआ है ना, इस पोर्शन को तो क्या नाम दिया हमने, क्रैंक नाम दिया, और इस पोर्शन को क्या नाम दिया, पिस्टन नाम दिया। तो ये जो कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड जो है वो पिस्टन से जुड़ा होता है, किस पिन के द्वारा जुड़ा है, पिस्टन पिन के द्वारा जुड़ा है, इसी पिन को गजन पिन या रिस्ट पिन बोलते हैं, और इसे कौन से पिन बोलते हैं बेटा, इसे नाम देते हैं क्रैंक पिन, इसे बिग एंड कहते हैं, इसे स्मॉल एंड कहते हैं, बस इतनी सी बात है, इसे नाम दिया जी स्मॉल एंड और इसे नाम दिया जी बिग एंड। ये कौन सा एंड है बेटा, इसका बिग एंड है, बड़ा हिस्सा है। ये बात आपके सामने कई बार आ चुकी है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ बेटा, जीडीसी वाले काफी बच्चे होंगे, बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट के साथ ऊपर नीचे मोशन करता है, ये आप लोगों के क्रैंकशाफ्ट है, ये बड़ा सिरा इसके साथ मोशन करेगा, छोटा सिरा इसके साथ करेगा, और स्मॉल एंड पिस्टन पिन के लिए कांसे की बेरिंग लगी होती है। द कनेक्टिंग रोड इज ऑयल होल, द स्मॉलर एंड मूव अप एंड डाउन द पिस्टन, द बिग एंड अप एंड डाउन मोशन विद द क्रैंकशाफ्ट, ब्रॉन्ज बेरिंग इज फिट पिस्टन पिन ऑफ स्मॉल एंड। आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है बेटा, पिस्टन पिन है, पिस्टन को जोड़ने के लिए जो पिन लगाई उस पिन को नाम क्या है बेटा, पिस्टन पिन है। ईस्ट और वेस्ट साइंस मैग्नेट इज बेस्ट, बिल्कुल बेटा। तो मैंने कहा पिस्टन पिन को ही गजन पिन या रिस्ट पिन या पिस्टन पिन के नाम से जाना जाता है, यह पिस्टन को कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड से जोड़ने का काम करती है, और पिस्टन रिंग जनरली कैसी होती है बेटा, होलो होती है, खोखली होती है। पिस्टन पिन आल्सो नोन एज गजन पिन और रिस्ट पिन, इट कनेक्ट द पिस्टन टू स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड, पिस्टन पिन इज मोस्टली होलो, कैसी होती है बेटा, होलो होती है। ये स्टील की बनाई जाती है और इनकी सतह को केस हार्डनिंग करके हार्ड और टेम्पर किया जाता है, जिससे इन्हें घिसावरोधी बनाया जा सके। क्लियर है बेटा। इट इज मेड ऑफ स्टील, इट सरफेस हार्डेंड बाय केस हार्डनिंग विच मेक इज रजिस्टेंस टू वियर, जिसे रजिस्टेंस करती है वियर होने के लिए, घिसने के लिए। इसके बाद में होता है बेटा हमारा क्रैंक शाफ्ट, कौन से शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है। आप लोग देख रहे होंगे ये जो पिस्टन का नीचे, ये पिस्टन है जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, और ये आप लोगों की क्रैंक है जो शाफ्ट जो है वो कैसे मोशन कर रही है बेटा, रोटेरी मोशन कर रही है। क्रैंक शाफ्ट कैसे मोशन कर रही है, रोटेरी, और बेटा ये जो पिस्टन है ये कैसे मोशन कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग। इसको करवाने वाली कौन सी रोड है, ये पिस्टन रोड है, जिसे हम लोग कनेक्टिंग रोड कहते हैं। तो ये जो शाफ्ट आप लोगों की दिखाई गई है, इसे नाम देते हैं बेटा कौन सी शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। एक बात और ध्यान से सुन लो, मैंने कहा ये जो नीले रंग का दिख रहा है इसे सिलेंडर कहते हैं, ग्रे कलर का दिख रहा है वो पिस्टन है, पिस्टन मोशन कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग, और क्रैंकशाफ्ट मोशन कर रही है रोटेरी। इसको कराने वाली कनेक्टिंग रोड या पिस्टन रोड है। इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है क्रैंकशाफ्ट का, उस पर जुड़ा होता है कौन, फ्लाईव्हील जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है बेटा, फ्लाईव्हील जुड़ा होता है। ये वही फ्लाईव्हील है जो एनर्जी को एब्जर्व करता है, ये वही फ्लाईव्हील है जो एनर्जी को एब्जर्व करेगा, और बच्चे को चाहे स्ट्रोकों को एनर्जी देने के लिए धीरे धीरे एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंकशाफ्ट ही पहला पार्ट है, जिस पर पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड की सहायता से रोटरी मोशन में आती है। ये वही पहला भाग है पावर ट्रांसमिशन का, जो पावर को लेके जाएगा। लगा तो दिया एक व्हील, जिसका नाम क्या है, फ्लाईव्हील है। परितोष त्रिपाठी, सर केस हार्डनिंग कैसे होती है बेटा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयरन कार्बन डायग्राम टीटीटी कर्व जो होते हैं वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा यार, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है।
तो मैंने कहा पावर ट्रांसमिशन पहला जहां से इंजन के अंदर पावर जाएगी वो कौन है तुम्हारा, वो है तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट। कौन है? क्रैंकशाफ्ट है जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग, पिस्टन जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है उसे रोटरी मोशन में बदलती है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट टाइमिंग चैन या बेल्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। बात को सुन लेना मेरी को ध्यान से, ये जो आप लोगों के क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट का एक सिरा जो होता है वो एक सिरा तो फ्लाईव्हील से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा किस शाफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है? कैमशाफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। फ्लाईव्हील बैलेंस भी करता है ना? बिल्कुल करेगा, अभी तो बहुत कुछ करेगा। मेरी बात को आप समझ गए ना? मैंने कहा बेटा कि क्रैंक शाफ्ट जो होते हैं उसका एक सिरा तो फ्लाईव्हील के द्वारा जुड़ा रहता है, एक सिरा तो किसके द्वारा जुड़ा है? फ्लाईव्हील के। और दूसरा सिरा जो ये वाला हिस्सा है ना बेटा, ये टाइमिंग बेल्ट या चैन के द्वारा जुड़ा होता है, किससे? कैम शाफ्ट से। तो दो तरह की शाफ्ट है बेटा, एक तो क्रैंक शाफ्ट है और दूसरी कौन सी है? कैम शाफ्ट है। ठीक है बेटा, एक बार देखिएगा, हम पानी पी लेते हैं। हाँ जी भाई, अब देखिए, इधर से दे दीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कौन सी सब्जेक्ट लें? डीजल मैकेनिक लें या फीटर लें, जो आपकी इच्छा करे बेटा, पढ़ने का जो इंटरेस्ट है। यदि आपको देखो इंजन अच्छा लगता है, इंजन के बारे में यदि आप अच्छा महसूस करते हो अपने आप को, तो आप डीजल थ्योरी लो बेटा। और यदि आप लोगों के थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें क्लियर हैं, जैसे बेंच वॉइस क्या होता है, आप लोगों का वी ब्लॉक क्या होता है, आप एक एक चीज को और बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आप फिर फेटर ले लीजिए, उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट विद फ्लाईव्हील एंड कैमशाफ्ट कनेक्ट विद टाइमिंग चैन और बेल्ट। क्रिकेट हिट, संडे को मूवी देखते हो, आज हमारी क्लास में ही दिख रही है। चलो बेटा, हाँ एक मिनट बेटा, आपका जो कमेंट है उसको मैं अभी बढ़िया वाला जवाब दूंगा बेटा नीरज, है ना। अभी थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको समझा देता हूं। द क्रैंकशाफ्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम विच इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन कन्वर्ट द सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड। ये बात तो हम दो तीन बार समझ चुके हैं, तो हमें क्लियर हो गया है। द क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट आर कनेक्टेड बाय द टाइमिंग चैन और बेल्ट। एक अच्छा सा डायग्राम अभी आपके सामने लेके आने वाला हूं। क्रैंकशाफ्ट मिस्र स्टील की कास्टिंग या फोर्जिंग करके बनाई जाती है बेटा, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लो यार, बहुत ज्यादा आएगा ये, अभी क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन जो है ना ये आने वाला है। रमाकांत मिश्रा सर, कौन सा चैप्टर है ये बेटा? पहला चैप्टर है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया है, जिसे डीजल थ्योरी की शुरुआत कहते हैं। अभी इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंजन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, पार्ट्स के बाद में ऑपरेशन आएंगे, टू स्ट्रोक इंजन कौन सा होता है, फोर स्ट्रोक कौन सा होता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इजनेशन इंजन, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है, क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, इसमें से हल्के में मत लेना। जिस पर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट जो है वो एक दूसरे के समांतर होती है। अभी देखो एक लाइन आई है बेटा, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट एक दूसरे के समांतर होती है, ये ना भी समझ में नहीं आएगी, ये मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको तो समझ में नहीं आएगी। एक लाइन तो ये वाली बेटा, है ना, इसको मैं गोला मार देता हूं, और एक ये वाली बात बेटा, ये दो बातें मैं अभी आपको दो मिनट के अंदर बताने वाला हूं, तो देखिएगा। अब चलते हैं, थोड़ा सस्पेंस को खराब ना करें। द क्रैंकशाफ्ट इज मेड फ्रॉम अलॉय स्टील बाय कास्टिंग और फोर्जिंग। अलॉय स्टील की कास्टिंग और फोर्जिंग करके बनाई जाती है बेटा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा, और इसको अभी अपन पढ़ेंगे।
क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का जो गियर रेशियो है वो 2:1 होता है। चलो जी देखेंगे अभी कैसे होता है। क्रैंक शाफ्ट में ड्रिलिंग द्वारा ऑयल पैसेज बनाए जाते हैं जिनमें होकर ऑयल जो है वो मैन बेरिंग से कनेक्टिंग रोड की बेरिंग तक पहुंचता है। बिल्कुल भाई, क्रैंक शाफ्ट के विभिन्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग आप लोगों के होते हैं? एक होती है क्रैंक पिन, एक होती है वेब जो इनको आपस में जोड़ती है, बैलेंसिंग वेट होते हैं, मैन जनरल और जनरल बेरिंग होती है। अच्छा, समझ में आ रहा है। चलो जी आगे देखें बेटा। द गियर रेशो क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट 2:1। ऑयल पासेज बनाए जाते हैं बेटा ड्रिलिंग के द्वारा, जिससे ऑयल पासेज मेन बेरिंग तक आप लोगों के किसको बेचते हैं? ऑयल को बेचते हैं। डिफरेंट पार्ट लगे होते हैं, जैसे क्रैंक पिन होता है, बैब होता है, बैलेंसिंग बेट होता है, जनरल बेरिंग वगैरह है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बेटा इसको क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का रेशो 2:1 होता है। बिल्कुल बेटा सुमन यादव जी, बिल्कुल 2:1 होता है। अभी मजेदार होने वाला है ये सेशन। और भी क्रैंक शाफ्ट के आगे के एक सिरे पर फैन बेल्ट तथा स्पॉकेट वाइब्रेशन डैम्पर तथा फैन बेल्ट पुली लगी रहती है, और इसके पिछले सिरे पर कौन लगा रहता है? रियर व्हील एंड पर कौन लगा होता है? फ्लाई व्हील लगा होता है। आ गया वो दिन जिसका हमें इंतजार था। सुमन यादव कह रही है नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग और साइज के ऑफ क्रैंक शाफ्ट। बिल्कुल बेटा अभी बता रहा हूं, 2 मिनट दे दो मुझे। मैंने कहा क्रैंक शाफ्ट के आगे सिरे पर फैन बेल्ट स्पॉकेट लगे होते हैं, ये बेटा तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट है। इस क्रैंक शाफ्ट का जो ये रियर एंड होता है, रियर एंड बोले तो पिछला हिस्सा जो होता है, इस पर एक व्हील लगा रहता है जिसे क्या नाम देते हैं? इस प्यार को नाम देते हैं फ्लाई व्हील। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पर पुली फैन बेल्ट वगैरह जुड़ी होती है, और इन्हीं से एक शाफ्ट जुड़ी रहती है, जिस शाफ्ट को क्या नाम देते हैं? कैम शाफ्ट नाम देते हैं। क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ये आप लोगों क्रैंक शाफ्ट है बेटा। अब एक बार थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट जो है ना, ये थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं बेटा। ये थोड़े से क्वेश्चन कराने से पहले क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट क्लियर कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है? और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे बता दो जल्दी से। इस डायग्राम को मैं जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को। जल्दी बताइए क्या ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? लो जी देखो, दिख गया? हाँ जी। चलो बेटा, यस यस यस, अब आएगा मजा। देखो बेटा, मैंने कहा कि ये आप लोगों की एक शाफ्ट है बेटा। इस शाफ्ट को क्या नाम दिया? क्रैंक शाफ्ट। ये मैं अक्ष बना रहा हूं बेटा, कौन सी शाफ्ट की? क्रैंक शाफ्ट की। और इस क्रैंक शाफ्ट पर यहां पर एक व्हील लगा रहता है, जिस व्हील को क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील कहते हैं। इस पर एक व्हील लगा होता है फ्लाई व्हील, और ये फ्लाई व्हील कौन से एंड पर लगा है? रियर एंड पर लगा है। रियर एंड बोले तो बेटा पिछला सिरा, पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील लगा होता है। ये वही फ्लाई व्हील है जो अपने सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक होते हैं, उन स्ट्रोकों की एनर्जी को एब्जर्व करेगा, क्योंकि 4 स्ट्रोक में से 1 पावर स्ट्रोक है, 3 स्ट्रोक खाली रहते हैं। अगर पावर नहीं मिली या पावर को बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो गाड़ी मारेगी झटके। पावर स्ट्रोक में तो तेज भगेगी, सक्शन कंप्रेशन में धीरे धीरे चलेगी। ठीक है बेटा? हाँ जी। क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट विद फ्लाई व्हील। लो भैया सुमन यादव जी, क्रैंक शाफ्ट जो है, ये वाली जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को ही तो क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। इस क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड को किससे जोड़ते हैं? फ्लाई व्हील से जोड़ते हैं। और बेटा ये वाली जो शाफ्ट है आपकी, इस शाफ्ट को क्या नाम देते हैं? इस शाफ्ट का नाम है बेटा कैम शाफ्ट। क्या नाम है? कैम शाफ्ट कहते हैं। क्लियर है? इस शाफ्ट को क्या नाम दिया? ये तो हो गई तुम्हारी कैम शाफ्ट। अब कैम शाफ्ट पर क्या लगा है? स्पॉकेट लगा हुआ है। स्पॉकेट वो होता है जिस पर चैन को चढ़ाया जाता है, जिस पर चैन ड्राइव चलती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पॉकेट बोलते हैं। तो भैया मैंने कहा रियर एंड पर फ्लाई व्हील लगा होता है, और फ्रंट जो एंड होता है, फ्रंट होता है, उस पर क्या लगा रहता है? उस पर जुड़ी होती है कैम शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट?
कैमशाफ्ट, और कैमशाफ्ट को या तो हम जोड़ेंगे चैन ड्राइव के द्वारा या जोड़ेंगे बेल्ट ड्राइव के द्वारा। क्या लगाएंगे बेटा? स्पॉकेट लगाएंगे, जो मैंने आपके सामने गोले लगाए थे ना वही बातें हैं। क्रैंकशाफ्ट पिछले हिस्से पर फ्लाईव्हील, अगले हिस्से पर क्या लगा होता है? कैमशाफ्ट। किसके द्वारा लगी है? या तो चैन के द्वारा या बेल्ट के द्वारा। बेल्ट कौन सी रहेगी? टाइमिंग बेल्ट। इस शाफ्ट को क्या बोलते हैं? कैमशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल है। क्लियर है? फ्लाईव्हील जो है उसकी एनर्जी से तो तुम्हारी गाड़ी चलती है बेटा, फ्लाईव्हील की एनर्जी से तो क्या चलती है? गाड़ी चलती है। जितनी तेज स्पीड पर फ्लाईव्हील चलेगा उतने तेज, जितने तेज स्पीड पर जो तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, फ्लाईव्हील घूमेगा बेटा, इसको हाई स्पीड पर चलाया जाता है, मस्त भगाया जाता है। सर गियर के थ्रू भी? हाँ बेटा, गियर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यार कहाँ मैकेनिज्म लगाओगे यार? इतने सारे गियर 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 जोड़ दोगे, अंदर ऑयलिंग फॉइलिंग बहुत माथापोड़ी होगी। ठीक है, तो मैंने कहा पिछले सिरे को तो फ्लाईव्हील से जोड़ा, अगले हिस्से को किससे जोड़ा? कैमशाफ्ट से जोड़ा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। फ्लाईव्हील से एनर्जी जाएगी किस में? गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स के बाद में किस में जाएगी? प्रोपेलर शाफ्ट में। प्रोपेलर शाफ्ट के बाद डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल के बाद कहां जाएगी बेटा? व्हील में, पहियों में जाएगी, और गाड़ी फटाफट स्पीड से चलने लग जाएगी और मजा आ जाएगा गियर लगाते ही। लेकिन अंदर भी कुछ होता है ये बेटा। ये जो वाल चल रहे हैं ना तुम्हारे, ये इनलेट आउटलेट वाल जो ये नाच रहे हैं इस तरह से, जो ये मजे ले रहे हैं, वाल ऐसे ही नहीं चलते। वाल को चलाने के लिए ही हमने कौन सी शाफ्ट को लगाया? कैम शाफ्ट को लगाया। फोर स्ट्रोक इंजन में ये मैकेनिज्म लगा रहता है। आपने लगाई कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट पर लगा कैम, कैम पर टैपेट, टैपेट पर पुश रोड, पुश रोड पर रोकर आर्म, रोकर आर्म से कौन कनेक्ट है? वाल्व कनेक्ट है। कौन कनेक्ट है बेटा? वाल्व। इसका पूरा मैकेनिज्म याद करना पड़ेगा, इसका पूरा मैकेनिज्म याद करना पड़ेगा भाई। ये आप लोगों का कौन है? क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट यदि दो चक्कर काटेगी, बात को सुन लेना, यदि क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर काटेगी? दो चक्कर काटेगी, तो कैमशाफ्ट कितने चक्कर काटेगी? एक। अगर ये तुम्हारी कितने चक्कर काटेगी? दो, तो ये कितना काटेगी? एक। इस पर यदि दांते हैं 50, तो इस पर कितने होंगे? 25। मेरी बात को समझ लेना बेटा, अगर इस पर दांते 50 तो इस पर 25 होंगे। ये दो चक्कर काटेगी तो ये एक चक्कर काटेगी, इसलिए क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट पर स्पीड का अनुपात 2:1 होता है, जो अभी आप लोगों को मैं बता रहा था। इसके दो रिवोल्यूशन, इसका एक रिवोल्यूशन हो गया, काम आ गया मजा। अब देखो, जैसे ही आपने कैमशाफ्ट को चलाया, कैमशाफ्ट से कैम चली, कैम से टैपेट, टैपेट से पुश रोड, पुश रोड से रोकर आर्म, रोकर आर्म से वाल्व ऑपरेट हुए, इनलेट वाल्व खोला, एयर और फ्यूल का मिश्रण आ गया, आउटलेट वाल खुला, बर्न गैसेज बाहर चली गई। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक बार जल्दी से कमेंट में आके बता दो भाई, क्या मेरी बात आप लोग समझ गए हो क्या? कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट कुछ बातें हैं ये भी देख लीजिए। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक दो चक्कर में एक बार घूमती है, यानी कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर। यदि तुम्हारी क्रैंकशाफ्ट ने कितने चक्कर कर दिए? दो चक्कर कर दिए, तो आपकी जो कैमशाफ्ट है ना ये बहुत शर्मीली है, ये कितने चक्कर करेगी? एक करेगी, इसलिए कहते हैं 2:1। हाँ, बेल्डर वालों के लिए भी आएगा। जी 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 नीरज, ओके बेटा नीरज, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये तुम्हारी जो क्रैंक शाफ्ट होती है, इसके पिछले हिस्से पर जो जुड़ा होता है, पिछले हिस्से पर जो जुड़ा होता है उसे बोलते हैं फ्लाईव्हील, अगले हिस्से पर जो जुड़ी होती है उसे बोलते हैं कैम शाफ्ट। ये दो बातें समझ में आ गई, पिछले हिस्से पर फ्लाईव्हील, अगले हिस्से पर कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट स्पॉकेट के द्वारा चैन की सहायता से या पुली के द्वारा गियर बेल्ट ड्राइव की सहायता से जुड़ी होती है।
कैम साफ्ट जो है उससे कैम लगी रहती है, कैम पर टैपिट लगा रहता है, टैपिट पर पुशरोड लगी होती है, पुशरोड पर रोकर आर्म रहती है, रोकर आर्म पर क्या लगे रहते हैं वाल, जिनके द्वारा वाल को ऑपरेट किया जाता है। मजा आ गया नंदन कुमार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो थ्योरी शुरू हुई कहाँ है, अभी तो बेटा बेसिक चल रहा है। जिस दिन थ्योरी पढ़ ली है ना, मैं कह रहा हूँ हवा में नाचने लग जाओगे, इतना अच्छा सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, अब मेरे हिसाब से आपको थोड़े समय क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा ये तो पता चले कि पिछले आधे घंटे में आपने क्या क्या सीखा है, कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा है। इस पर गियर इज यूज टू कनेक्ट क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट, कर ले जिसको कनेक्ट करना है। अभी जब मैं कनेक्ट करूंगा तब देखना भाई कौन कौन से गियर कनेक्ट होंगे। जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भैया। द पिन यूज टू कनेक्ट पिस्टन एंड शॉर्ट एंड ऑफ कनेक्टिंग रोड इज नोन एज, एक पिन यूज करते हैं पिस्टन को शॉर्ट एंड को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने के लिए। ये तुम्हारा पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रोड का शॉर्ट एंड है, स्मॉल एंड। इस पिन के द्वारा इसे जोड़ते हैं तो इस पिन का नाम क्या है, इस पिन का नाम क्या है? इस पिन का नाम क्या है? अरे वाह नीरज, रामा क्रिकेट, वाह अल्टीमेट, इसे क्या बोलते हैं? गजन पिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गजन पिन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, क्रैंकशाफ्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज में नहीं लेते हैं, यह आप लोगों का क्वेश्चन है। अब है ना, इसमें आप लोग आधे लोग विकेट खाएंगे, आधे लोग गिरोगे। अब तुम लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, नहीं मानो तो देख लेना, मुझे पता है ना। सी, हाँ जी, अरे वाह यार इंटेलिजेंट बच्चे हो गए अब तो, मैं तो हल्के में ले रहा था तुम लोगों को। बी, अरे वाह डक्टाइल आयरन, पता था ना करोगे एक दो तो गलती, क्रिकेट हिट गलत है बेटा। देखो जो टिन है ना बेटा, SN स्टेनम टिन जो होता है, इस टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम रहता है बेटा। टिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और हमारा जब इंजन चलता है तो इंजन चलते समय हीट डेवलप होगी, तो हीट डेवलप होगी तो यहां पर क्या होगा बेटा, उच्च ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण टिन जो है इसका जो पार्ट्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं टिन जो है ना वो 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक धातु बनी होती है जिसका नाम है सोल्डर। क्या नाम है बेटा? सोल्डर। सोल्डर में जो धातु होती है उसको बोलते हैं बेटा टाका, सोल्डर यानी टाका। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए, जैसे आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेट है उस प्लेट को जोड़ने के लिए यूज में लेते हैं बेटा टाका को। और ये जो टाका मिश्र धातु होती है ये कैसी होती है, तो बेटा ये टाका कब फिट होता है, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा साइंस में भी कि टाका कब फिट होता है, जब क्या मारते हैं सीटी। अगर आपको अपने जिंदगी में कभी भी टाका फिट करना है तो सीटी मार देना। सी से क्या बन जाएगा बेटा? सीसा। और टी से क्या बन जाएगा? टिन। सीसा और टिन दोनों मिले, आपने मारी सीटी, क्या फिट हुआ? टाका फिट हुआ। इसे बोला बेटा लेड, और ये क्या है तुम्हारा? स्टेनम यानी टिन। क्लियर है बेटा?
तो इन दोनों से मिलकर बनी होती है सोल्डर या टांका धातु, जो कि लगभग 150 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेल्सियस, या मैं राउंड फिगर में लिख दूं 190, वास्तव में तो 196 डिग्री होता है बेटा, लगभग 190 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है उस पर मेल्ट हो जाती है, और इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर के रीजन के कारण कभी भी कनेक्टिंग रोड टिन की नहीं बनी होती, नहीं तो बेटा कनेक्टिंग रोड अंदर मेल्ट हो जाएगी, पावर ट्रांसमिट नहीं होगा यदि आपने गलती से इसको बना दिया तो। क्लियर है? तो आंसर क्या आया है, टिन आया है, इसकी नहीं बनी होती। कनेक्टिंग रोड बनी किसकी होती है? आरआरबी एएलपी डीजल मैकेनिक 8 फरवरी 2019 23 जनवरी 2019 आपकी सपनों की दुनिया, आपकी सपनों की चाहत नौकरी जिसे लोको पायलट के नाम से जाना जाता है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। बड़ा ही गजब, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया भी था बेटा इस कनेक्टिंग रोड के बारे में कि कनेक्टिंग रोड को बेटा याद रख लेना थोड़ा सा कि कनेक्टिंग रोड बनी किसकी होती है। ये कौन सी शाफ्ट है बेटा? क्रैंक शाफ्ट है। मैंने आपको कनेक्टिंग रोड जब पढ़ाया था तो कनेक्टिंग रोड में दिखाया था बेटा कि हाईलाइट और किया था कनेक्टिंग रोड किसकी बनी होती है, फोर्ज स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोर्ज स्टील की बनी होती है। इसलिए बेटा मैंने स्पेशली अंडरलाइन हाईलाइट कर दिए उन क्वेश्चनों को जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो भैया कनेक्टिंग रोड किसकी बनी होती है? फोर्ज स्टील की बनी होती है। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, ए आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, फोर स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उनमें क्या होता है? जल्दी से देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन है और आपके सपनों की दुनिया में जिसमें तुम्हें जाना है आरआरबी एएलपी 8 फरवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पर। फोर स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें आपसे पूछ रहा है बेटा कि ये फोर स्ट्रोक इंजन जो है ये क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से, फोर स्ट्रोक इंजन जो है ये आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन में पावर डेवलप करनी है, कितने रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे क्रैंकशाफ्ट के? 2 रिवोल्यूशन। रांची की धरती से प्रणाम, नमस्कार जी। 2 रिवोल्यूशन। तो फोर स्ट्रोक इंजन में जनरेट पावर स्ट्रोक इन 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्या ए आंसर सही है? क्या ए आंसर सही है? मैंने कहा बेटा फोर स्ट्रोक इंजन, देखो जी फोर स्ट्रोक इंजन, अभी तो इनके वैसे अपन को क्रैंक डायग्राम भी बनाने हैं, वो भी मैं आपको इंजन ऑपरेशन में बताऊंगा। मैंने कहा एक स्ट्रोक हुआ कौन सा सक्शन, इस पर क्रैंक कितने डिग्री घूमी 180, एक हुआ कंप्रेशन कितना घूमी 180 डिग्री, फिर आया बेटा पावर कितना रोटेट किया 180 डिग्री, और ये हो गया एग्जॉस्ट कितना रोटेट हुआ बेटा 180 डिग्री। 360 डिग्री में एक रिवोल्यूशन होता है, 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए बेटा तुम्हारे किसके, क्रैंक शाफ्ट के। लेकिन अगर क्रैंक शाफ्ट की जगह आपसे कैम शाफ्ट पूछ लेता तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताते, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा कौन सा शाफ्ट का, कैम शाफ्ट का। क्रैंक शाफ्ट जब 2 रिवोल्यूशन करेगी तो कैम शाफ्ट 1 रिवोल्यूशन करेगी, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अगर इसके वाल टाइमिंग डायग्राम की बात करें तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसका वाल टाइमिंग डायग्राम बना के बता देता हूं। इसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, इसे बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसे इसकी जीरो लाइन बोला। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर आता है तो इस स्ट्रोक को सक्शन के नाम से जाना जाता है। सक्शन के बाद में इंजन वापस पिस्टन जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, और सक्शन के बाद में जो अगला स्ट्रोक पैदा होता है उस स्ट्रोक को कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रोक कौन सा हुआ बेटा? कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ। सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद फिर 180 डिग्री घुमा, और इस स्ट्रोक को नाम क्या दिया? पावर स्ट्रोक नाम दिया। फिर 180 डिग्री के बाद में फिर वापस रोटेट किया, 180 डिग्री हुआ बेटा, कौन सा स्ट्रोक हुआ? एग्जॉस्ट हुआ बेटा। 180 सक्शन, 180 कंप्रेशन, 180 पावर, 180 एग्जॉस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ढंग से जानते हो, एक चक्कर पूरा करने के लिए 360 डिग्री चलना पड़ता है, एक चक्कर
चक्कर के लिए 360 चलना पड़ता है, एक चक्कर पूरा हो गया, फिर दूसरा चक्कर स्टार्ट किया और ये दूसरा चक्कर पूरा कर दिया, कितने रिवोल्यूशन हुए? 2 रिवोल्यूशन हुए। किसके? क्रैंक शाफ्ट के। किसके हुए बेटा? क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन हुए और कैम शाफ्ट का 1 रिवोल्यूशन हुआ। इतनी देर में 4 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक पैदा करके दे देता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आंसर आएगा, जनरेट पावर स्ट्रोक 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है बेटा, लेकिन कैम शाफ्ट का पूछ लेता तो 1 देते। ठीक है बेटा, कैम शाफ्ट का पूछते तो 1 देते। अगला है, पिस्टन रिंग का उद्देश्य क्या होता है? पिस्टन रिंग क्यों लगाई जाती है? क्या पर्पज था बेटा पिस्टन रिंग का? क्यों लगाना पड़ा पिस्टन रिंग को? पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग इज टू कंट्रोल द, क्या पर्पज है पिस्टन रिंग का? किसको कंट्रोल करना है? पिस्टन रिंग का क्या उद्देश्य है? किसको कंट्रोल करना होता है? ए ओके, सी गलत है बेटा। मैंने कहा पर्पज क्या है बेटा? 2 तरह की रिंग होती है। यह हमारा होता है इस तरह की एक डिवाइस जिसे नाम देते हैं क्या? पिस्टन। इसको क्या नाम देते हैं? पिस्टन। पिस्टन में यहां लगी होती है एक रिंग, जिस रिंग का नाम क्या है बेटा? ये 2 रिंग होती है, इन दोनों रिंगों को नाम देते हैं कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग इसलिए लगाई जाती है कि बर्न गैसेज यानी जो जली हुई गैसें हैं, उन बर्न गैसेज को नीचे ना जा सके। इसके बाद में यहां पर एक रिंग लगाई जाती है बेटा, जिस रिंग का नाम है ऑयल कंट्रोल रिंग। ऑयल कंट्रोल रिंग इसलिए लगाई जाती है कि नीचे का जो ऑयल है वो ऊपर कंबस्टन चैम्बर में ना आ जाए। क्लियर है? इसलिए लगाते हैं, यानी कंप्रेशन का प्रेशर को रोकने के लिए और ल्यूब्रिकेशन ऑयल को सिलेंडर के वाल से ऊपर जाने के से रोकने के लिए, इसलिए हम लगाते हैं बेटा इसको। अगला है, गजन पिन या पिस्टन पिन जो होता है वो किसका बना होता है? गजन पिन या पिस्टन पिन जो है वो किसकी बनी होती है? इतना सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए बेटा, गजन पिन या पिस्टन पिन को किसका बनाया जाता है? गजन पिन या पिस्टन पिन किसकी बनी होती है? जल्दी कीजिएगा, गजन पिन या पिस्टन पिन किसकी बनी होती है? गजन पिन या पिस्टन पिन किसकी बनी होती है? नहीं बेटा, कास्ट आयरन की नहीं बनी होती। बी नहीं रे, हार्ड एंड फोर्ज स्टील। हार्ड एंड फोर्ज स्टील की बनी होती है बेटा। ए बिल्कुल ए करेक्ट है, नीरज कुमार। चलो जी, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, इंजन में कितनी कंप्रेशन रिंग लगी होती है? हाउ मेनी कंप्रेशन रिंग शुड बी इन द इंजन? जल्दी से देखिए, सपनों के शहर में जाना है, जल्दी से हमें बताना है। आरआरबी एलपी 8 फरवरी 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 8 फरवरी 2019 का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं सुमन यादव जी, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, टेंशन नहीं लेने का, हम सीख रहे हैं, कोई मेन एग्जाम थोड़ी है। जल्दी से जवाब दीजिए, कितनी कंप्रेशन रिंग लगी होती है? जल्दी कीजिए बेटा। ए ओके, दो 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 दो, ए ए ए ए ए, वाओ अल्टीमेट, वाओ गाइस तुमने तो मजे कर दिए। ए कंप्रेशन रिंग कितनी लगी होती है? 2 लगी होती है बेटा। टोटल रिंग कितनी होती है? 3, 2 तो होती है कंप्रेशन रिंग, तो आपसे कंप्रेशन रिंग ही पूछा है, और 1 होती है बेटा ऑयल रिंग। अगर आपसे पूछे कि टोटल कितनी रिंग लगी होती है तो आप बता देना 3 रिंग लगी होती है, लेकिन आपसे तो क्वेश्चन पूछा है कि कितनी कंप्रेशन रिंग लगी रहती है। कंप्रेशन रिंग तो कितनी होती है? 2 होती है सर, है ना? कोई बात नहीं जी, कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, असेंबल्ड टाइप क्रैंक शाफ्ट किस में यूज लेते हैं? असेंबल्ड टाइप जो क्रैंक शाफ्ट है वो किस में यूज लेते हैं? असेंबल्ड टाइप क्रैंक शाफ्ट किस में यूज लेते हैं? असेंबल्ड टाइप क्रैंक शाफ्ट किस में यूज लेते हैं? आरआरबी एलपी डीजल मैकेनिक 8 फरवरी
असेंबल्ड टाइप जो क्रैंकशाफ्ट है वो किसमें यूज लेते हैं? असेंबल्ड टाइप क्रैंकशाफ्ट किसमें यूज लेते हैं, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बेटा, 6 का गलत हो गया था, सॉरी, कोई बात नहीं। असेंबल्ड टाइप, जल्दी बताइए बेटा। बी, मोटरसाइकिल, बिल्कुल मोटरसाइकिल। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मोटरसाइकिल बेटा, पैसेंजर कार इनमें नहीं होता, बड़ी गाड़ियां जो होती हैं उनमें असेंबल्ड टाइप नहीं होता है, ठीक है। बड़ी गाड़ियों में असेंबल्ड टाइप की नहीं होती, अपनी जो मोटरसाइकिल है ना इसमें असेंबल्ड टाइप की होती है बेटा, है ना। तो यहां पर आप लोगों का आंसर आएगा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में असेंबल्ड टाइप की फ्लाईव्हील को क्या करते हैं बेटा, यूज लेते हैं, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में। आज का मैराथन काफी बड़ा हो गया है, काफी बच्चे तो छोड़कर भी चले गए हैं, है ना। लेकिन आज आप लोगों के जोश और जुनून, आज जो आप लोगों की हिम्मत और आज आप लोगों के जो जवाब है उनको देखकर वाकई यार दिल खुश हो गया, मुझे भी महसूस हो गया कि हमारा इंडिया, हमारा राजस्थान आज पीछे नहीं है। मैं राजस्थान की इस पावन भूमि से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन पूरे भारत के बच्चों ने आज जो जोश और जुनून दिखाया है, जो आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, वो वाकई काबिले तारीफ था बेटा। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर, फिटर ट्रेड का महामैराथन लाएं प्लीज। रोहित जी, फिटर ट्रेड का मैराथन अगले संडे को लेकर आएंगे, ठीक है ना बेटा। फिटर ट्रेड का मैराथन अगले संडे को लेकर आएंगे, मजा आ गया। ओके बेटा, ओके शुभम जी, चलो बेटा मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। लव यू सर फ्रॉम बिहार। ओके बेटा, और किसी भी बच्चे को बेटा, जो जीडीसी वाला बच्चा है या एएलपी की तैयारी कर रहा है, जिसको फटाफट कोर्स करना है, जीडीसी वाले बच्चों के पास तो समय है ही नहीं, है ना। और कब पढ़ाओगे? अगले संडे को मिलेंगे बेटा, है ना। और जो बच्चे बेटा जीडीसी वाले हैं, जिनको फटाफट कोर्स करना है, तो वो बच्चे बेटा जल्दी से जाइए और अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज कर ले। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स वहां पर मिल जाएगा और लाइव क्लासे भी आप लोगों को मिलती है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट संडे को मिलते हैं बेटा आप लोगों से, झुंझुनू से। ओके बेटा, क्रिकेट हेट्स से डीजल मैकेनिक का बुक, हाँ बेटा जल्दी हम डीजल मैकेनिक की बुक निकालते हैं आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। अगली जो क्लास है वो अगले संडे को लगाएंगे बेटा, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन बैच मेरे सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है रोज क्लास लेने के लिए। हाँ जी, आगे की क्लास लगा देंगे बिल्कुल। चलो बेटा मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। और जो बच्चा बेटा, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, जीडीसी वाले बच्चों के पास समय कम है, वो जल्दी से कोर्स ले लीजिए और फटाफट अपना कोर्स कर लीजिएगा। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, ये आप लोगों की जो क्लास है इससे भी बेहतरीन मैं आप लोगों के लिए और करूँगा। प्राइस कितना है बेटा? लगभग 799 रुपए के आसपास का है, आप मोबाइल एप्लीकेशन से वो कर ले। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड आप लोगों को लिंक मिल जाएगा बेटा, यहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना करें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले सेशन में, गुड नाइट, शुभरात्रि, ओके बाय, लव यू।